brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Me where they at though. They at, I'm though. The new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yep. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है टिको ना, लॉन्ग टाइम नो सी, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ PUBG मोबाइल। भाई कैसे हो सब लोग, वेलकम 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 सबको मेरी तरफ से वेरी वेलकम। होप यू ऑल आर फाइन, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत हो गए, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ PUBG मोबाइल। हम आ चुके हैं अपने PMSL के सेमीफाइनल्स ग्रुप बी के मैच के साथ साथ। आज हमारे ग्रुप बी के डे वन के मैचेस होने गया काम से। लो आयशा नज़र लगा दी, आते साथ सर्वदीश फैंस की दूँ, कोई हाल नहीं है।
भाई मेरा सर्वर ग्लिच हो गया है, रिकरवा दें। आते साथ नजर लगा दिया ऐशा तुमने, सब तुम्हारी गलती है। ओके भाई जो सीम प्यार है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड शेडो किलर हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक हो, वेलकम ऑन द स्ट्रीम। आयशा गेमिंग हेलो अस्सलाम वालेकुम, राबिया हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या चल, ठीक है, सॉरी ठीक हो, वेलकम ऑन स्ट्रीम। आशी वर्ड हेलो, ठीक है, ओके हेलो, वेलकम ऑन द स्ट्रीम, अस्सलाम वालेकुम आशी वर्ल्ड। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तो मैंने नज़र लगा दिया ना। अच्छा सबसे पहले मुझे बता देना अच्छा, एवरी थिंग इज़ वर्किंग फाइन, कुछ इशू तो नहीं है लाइक साउंड वगैरह में और कुछ में, या मेरे बोलने में भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करूँगा मैं आराम से ही बोलूँ। गेम म्यूज़िक भी चेक करें, ओके 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 वॉइस ठीक कर लूँ, मतलब क्या है वॉइस को। हंस लो आशी, हंस लो हंस लो। आयशा बड़ा जोर लगा के ना हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है मुझे। एक शोर आ रहा था हल्का सा, आ रहा था क्या होता है, सही बताओ ना, अभी आ रहा कि नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा था। ओके हमारा आईडी पास फिर से आ चुका है, सो वेट अ सेकेंड, मैं जरा फिर से रूम ज्वाइन कर लूँ। एस क्यू मैक्स अली हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या हाल चाल है, टिको वेलकम ऑन द स्ट्रीम। एक्स जी हेलो जी, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम किंग भैया, की हाल चाल है, टिको ना असल में जानी कास्टिंग करो, कास्टिंग का लॉबी में खड़े होकर कास्टिंग करो है। अल्लाह आपकी मगफरत फरमाए, आमीन आमीन। कहा गई वो इतने दिन से यार, किंग या क्या बताऊँ यार, डॉक्टर ने मुंह में फ्लास डाला है और दांत खींच के निकाल दिए, बुढ़ा कर दिया मुझे। मैं 3 दिन पहले दान निकल के ना, बल्कि उस दिन मेरा दान निकला था जिस दिन ना पिछले ग्रुप की कास्टिंग हुई थी, तो मैंने रेबल को बोला था कि मेरी स्ट्रीम पे आके कास्टिंग कर दो, क्योंकि उस दिन तो मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था और आज भी मेरी हालत काफ़ी टाइट है, लेकिन हिम्मत कर रहे हैं बोलने की। सर मेरी एक्सट्रैक्शन चल रही है दांतों की, मेरी 4 दांत निकलने हैं मुँह से, एक्सट्रैक्शन की वजह से ना मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा सही से। अभी तो एक हुई है, मैंने 3 और एक्सेक्शंस करवानी है। आवाज़ बिल्कुल फिट है, थैंक यू वेरी मच शेडो के लिए। सिकंदर जैस हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द स्ट्रीम सिकंदर भैया, की हाल चाल है, टिको एस क्यू मैक्स कह रहे हैं फिट यार, कैसी गुजरी की जिंदगी भाई सबकी। देखो मुझे ये मत बताया करो हमेशा, मुझे पता, मुझे मसले बताओ अपनी जिंदगी में, ताकि मुझे भी ना फील हो कि मेरे साथ भी कोई है जो दुखी जिंदगी से गुजर है। सारों की जिंदगी अच्छी गुजरी है, मतलब मैं अकेला ही दुखी हूँ। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, अलहमदिल्ला सब कुछ गुजरी है। चिकन कह रहे हैं इसीलिए इतने बार मना किया है, छोड़ दो हलक। किंग बाज आ जा, शर्म या कर ले थोड़ी सी। कितनी बार समझाया है, अब भुगतो, चलो भुगत ही रहे हैं। आप कोशिश करें स्लो कमेंट्री करें, वरना पेन हो गया आपको ज़्यादा। ओके ओके आयशा बस ठीक है, ओके ठीक है, समझ आ गया है। मैंने कवर नहीं हटाया, ओए कहाँ गया कवर, हाँ ओके हो गया।
Okay, boy, YouTube stream, Pyare, thank you very much for joining. Don't forget to like and subscribe. This is BMSL semi-finals group B day one. First match, Maharashtra ka pehla match start hone ja raha hai. Unfortunately, mera pehla room hi glitch ho gaya tha. Kya karein yaar, majboori hai. So let's get ready for it again. चलो बंदे होने के पूरे कर दो स्टार्ट। आयशत ने बताया नहीं मेरे माइक से वो शोर आ रहा है जो पहले आ रहा था, नहीं आ रहा। एक तुमने मुझे सस्पेंस में डाल दिया और फिर समझा भी नहीं थी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत गलत बात है ये। ओके हमारा पहला मैच एक बार फिर से हो चुका है स्टार्ट। होपफुली इस बार क्लिच नहीं होगा। आई थिंक दूसरी बार तो नहीं होता है लेकिन होना भी नहीं चाहिए भाई, बाबर ही करवाने से ना बहुत माहौल ख़राब होता है टूर्नामेंट का। अरे यार ये क्या लग गया, ओ पिंकी आ गया भाई, पिंकी मैप लग गया, ये तो कैंसर आँखों का। चल पर भाई क्लिच नहीं होना, अल्लाह खैर करे। ओके आई होप इस पर क्लिच नहीं होगा। वी गॉट 70 प्लेयर्स, 70 फ्रीकिंग प्लेयर्स अवेलेबल इन दिस रूम। यहाँ पे देखते हैं हमें किस किस टीम ने पार्टिसिपेट किया है। जस्ट प्लेन रोड का यार, नहीं यार शिट ब्रिज हो गया। किसकी मैयत पे आए हो? क्यों यार मैं क्या करूँ भाई इसका, मैं क्या करूँ बताओ मुझे, मेरा क्या कसूर है? रोमियो अब क्या करें? हाँ क्या करें बताओ। हाँ यार दूसरी बार होता तो नहीं है, अजीब सीन है। चलो मैं कुछ ट्राई करता हूँ वीपीएन वगैरह लगा के। या रीस्टार्ट ही मार सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये सब रेबल का कसूर है। VNCS रेबल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द स्ट्रीम, हाउ आर यू? म्यूजिक चेंज करो, म्यूजिक वो मैंने अभी लगाया हुआ, जब गेम स्टार्ट होगी तो मैं चेंज कर लूँगा बाद में। री करो गेम, यार री से ठीक नहीं होता, री से ठीक होता होता सोर क्या चाहिए था। रिकारो में देखना तुम्हारे सामने, रिकारो नहीं ठीक होगा। अखरोट हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या हाल चाल है? ठीक हो, वेलकम ऑन द स्ट्रीम। वीपेन लगाओ ठीक हो जाएगा। यार वीपेन लगा के मैं थोड़ा सा चला सकता हूँ लेकिन देखो मैं वीपेन लगा के स्ट्रीम भी तो कर रहा हूँ ना, मैं स्ट्रीम कैसे करूँगा वीपेन लगाऊंगा तो। सो ये सीन है, नहीं तो वीपीएन से मुझे पता है कुछ 300-400 में से आके ना एक्सपेक्टेड एटलीस्ट चल जाता है, लेकिन फिर मैं वो नहीं कर सकता, स्ट्रीम नहीं कर सकता। पूरा एमुलेटर री करो, गेम ना री करो। चलो वो भी कर लेते हैं, ये लो जी एमुलेटर हमने बंद कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, बस काम और काम। तुम कौन से काम करते हो वैसे? तुम्हारा काम तो रात को 1 बजे के बाद ही स्टार्ट होता। अच्छा कुछ नहीं, सॉरी यार। किंग जाके अनाउंसमेंट चेक करो यार, हैवी अनाउंसमेंट आई है, एक पढ़ी है, मज़ा आया कि नहीं आया?
हैवी बेइज्जती है यार, इतनी बेइज्जती सुन के भी किसी को शर्म ना आए। कर्मा साहब लिंक स्टार्ट कर रहे हैं कि सॉरी शेयर कर रहे हैं, एक मिनट। मेरे अलावा भी किसी बंदों का ख़राब हुआ है सर्वर, HSM का ख़राब हुआ है, पैंथर का ख़राब हुआ है, और किसका ख़राब हुआ है। ओके भाई गेम स्टार्ट हो जा, हद है। ओ स्टार्ट होगी। आप ये कौन सी ऐप पे पबजी खेलते हो? मैं तो गेम लूप पे खेलता हूँ। MGC बाबा हेलो, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो ना? वेलकम जी, वेलकम जी, आया नू। सब लड़कियों के भाई और भाइयों के भाई, दाए भाई, कैसे हो? इतनी मुश्किल से भाभी तेरा कमेंट मैंने रीड किया, हजम नहीं हो रहा था तेरा कमेंट मुझे। देखो निकाह से पहले सब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, जितना मर्जी भाई बनाओ, जितनी मर्जी बहनें बनाओ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ, एक मिनट मैम, तुम रुको एक सेकंड। ओके लो जी, हमने किंग भाई की ख्वाहिश पे गेम को री किया, और ये री करने का सिला मिला हमें। हम पावर शो भाई के पास आ चुके हैं, अब सारी जिंदगी ने जिम में ना वॉकर के ऊपर दौड़ते हुए देखेंगे। आयशा भी आ रही भी सी, अगर ऐसी बातें करनी है तो। नहीं यार आयशा नहीं आती यार, भाभी कुछ कर यार, मेरा इंग्लिश नहीं ठीक होता, क्या करूं मैं?
यार बाबे कुछ कर यार, सबक लिस्ट ठीक कर दे बाबे। हेलो एमडीसी बाबा, भाई मेरी बात सुनो एमडीसी बाबा। यार बात ही नहीं सुन रहा, क्या करूं। ओ री हो गया, ओ भाई री हो गया। ये देखे भाई, हमारे दिल की दवाई कुछ ऐसी है। चलो देखो, इस बार मेरी वजह से री नहीं हुआ, मुझे मत कहना मैंने री करवाया। इस बार री हुआ टीम्स की वजह से, क्योंकि टीम्स के बंदों को गली चू है। मुझे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि री नहीं करना। सईद मेहता, हेलो चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या चल, टिको नॉट वेलकम ऑन द स्ट्रीम। मुजफ्फर किंग भाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। ये ग्लिच इंटरनेट इशू है अपनी गेम में, या मुझे पता है इंटरनेट इशू है ये। मैं ऐसे में लाहौर भी रहता हूँ और यहाँ पे अपनी सिटी में भी रहता हूँ, तो ये ना सिर्फ मुझे अपनी सिटी में इशू आता है इस इंटरनेट के ऊपर। मैं लाहौर में कभी मुझे ग्लिच नहीं, ये इशू नहीं आया, तो डेट्स हाउ आई नो कि ये ग्लिच इंटरनेट की वजह से आता है। लेकिन ये ठीक भी तो नहीं हो रहा ना, अरसे से ग्लिच है, बहुत लंबा चल रहा है ग्लिच। अगर किसी के पास सोल्यूशन तो काइंडली मुझे लास्ट में बताइएगा। एनएक्सजी किंग, नेट टट्टी है, नेट वालों को कत्ल कर दो और न्यू नेट लगवा लो। यार किंग, मैंने बहुत अरसा पीटीसीएल को झेला है। वैसे मैंने, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, मैं वापस लाहौर चला जाऊँगा नेक्स्ट मंथ, तो मुझे फिर क्लिश नहीं आया करेगा। बस मुझे घर में, मैं जो छुट्टियाँ पे आता हूँ, यही मुझे अरसा गुजारना है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक तो पीटीसीएल है, उससे तो मैंने जान छुटवाई, अलहमदिल्ला मेरी जान छुटी उससे। और एक ये प्राइवेट कंपनी है जिसका मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ। अब ये भी उतार दूँ तो मैं क्या यूज़ करूँ, सेम का जैस का यूज, जैस के नेट यूज़ करूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं आज उतरवा के लगा लेता। ओके, एक बार फिर से हमारे पहले रूम का आईडी पास, जो कि तीसरी बार आ रहा है, आ चुका है, हम जाके ज्वाइन करते हैं। यार एक 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 में रुकना, मैं ना ज़रा कुछ कर लूँ। एक बार टीडीएम में जाके ना वापस निकलते हैं, क्या बता कृष्णा हो, यू नो देसी जुगाड़, पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं यहाँ तो। भैंस के तुम टीडीएम ही नहीं चलता है, लेटर लॉबी कुछ ऐसी है। ये हॉलीडेज कह रहा है मतलब, यार टीडीएम नहीं लग रहा, अजीब गुर्बत है। चलो रूम में चलते हैं, छोड़ो। ओके लेट्स गो। बाबे तेरा भाई किस पे गेम खेल रहा होता है, मोबाइल पे या पीसी पे? अरे मना स्टार्ट कर दो, की सोच रही है तुम? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे गाइस। ओके आयशा गेमिंग, मैं लाइक और सब्सक्राइब कर देता हूँ।
अच्छा, क्या मसला चल रहा है वॉइस चैट में? क्यों इतने बंदे आए हुए हैं? एक मिनट, ज़रा ज़रा डिस्कॉर्ड पे जाके चेक करें क्या सीन चल रहे हैं। चलें चलें चलें, शुक्ल मेला चेक करें। अबे फिर से पिंकी आ गई यार। पिंकी जान की नहीं छोड़ती बे। भाई मुझे लग रहा है सर्वर चढ़ गया। चला 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 चला, वो चल गया भाई। मुबारक हो। ओके बॉयज, हमारा आज का पहला मैच स्टार्ट हो चुका है। फाइनली 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 सर्वर क्रैश नहीं हुआ ये। अच्छा सॉरी, स्ट्रीम चल रही है। एक्साइटमेंट कंट्रोल करें। ओके बॉयज, चलते हैं अपने रूम की जानब। आज का हमारा पहला मैच स्टार्ट हो चुका है। जो जो स्ट्रीम को देख रहे थे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। दिस इज़ PMSL सेमीफाइनल्स ग्रुप बी डे वन फर्स्ट मैच। हमारा आज का पहला मैच स्टार्ट हो चुका है। वी गॉट 71 प्लेयर्स वेल एंड गुड अलाइव इन दिस। 19 टीम्स अवेलेबल। यहाँ पे टीम्स की बात करते हैं, लेट्स सी किस किस टीम ने हमें इस रूम के अंदर पार्टिसिपेट किया है। चलते हैं बात करते हैं स्लॉट नंबर 4 में। PS का फुल लाइनअप मुझे था 3 नंबर 6 में। यहाँ पे PS का अगेन फुल लाइनअप। सेकंड लाइनअप मुझे था 3 नंबर 7 में। थंडर का फुल लाइनअप है। टीम नंबर 8 में यहाँ पे मौजूद है। एक क्या लाइनअप हुआ? अच्छा, टीम नंबर 10 में आरी का लाइनअप है। टीम नंबर 11 में रैक्स का लाइनअप है। टीम नंबर 12 में आरी का अगेन एक लाइनअप है। टीम 14 में SCW का फुल लाइनअप है। टीम 15 में R2H का फुल लाइनअप है। टीम 17 में MFS का फुल लाइनअप है। इसके अलावा टीम 18 में MFS का अगेन एक लाइनअप है। टीम 19 में MES का लाइनअप है। टीम 20 में NXT का लाइनअप है। टीम 21 में MFS का एक गोल लाइनअप है। टीम 22 में यहाँ पे MES का लाइनअप रहेगा। टीम 23 में MES ऑफिशियल का लाइनअप मौजूद है। टीम 24 के अंदर यहाँ पे D7 का फुल लाइनअप है। टीम 25 में साइरो का फुल लाइनअप मौजूद है। चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे क्लैशेस की। लेट्स सी हमें यहाँ पे कौन कौन सी टीम के बीच में क्लैश देखने को मिलेंगे। सर मुझे दो टीम है, टीम थंडर एंड टीम थंडर। ये टीम थंडर हमेशा टीम 7 में जाके क्यों बैठती है? मुझे थंडर वाले, अगर तुम लोग स्ट्रीम देख रहे हो, ये राज की बात बताना। मैं अक्सर नोट करता हूँ तुम टीम थंडर टीम 7 में बैठी होती है। इसके पीछे क्या राज है? चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे क्लैशेस की। लेट्स सी, पे जोन पहला हमारा बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी टीमें ऑलरेडी जोन के अंदर मौजूद है। आयशक पे फिर से मुझे बता देना कि रूम के साथ सब कुछ ठीक वर्क कर रहा है ना, कुछ इशू तो नहीं है? ओके, गेम का वॉल्यूम बनता है, शुक्र, मैंने देख लिया। एनीवे चलो मैंने ऑन कर दिया, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी हमें यहाँ पे मजीद क्लैशेस कौन कौन से स्क्वाड के बीच में देखने मिल सकते हैं। दो स्क्वाड मुझे आपस में बिल्कुल भी फसर करते नजर आ रहे हैं। चलते हैं यहाँ पे टीम नंबर 15 की बात करते हैं। इनके सामने एक स्क्वाड मौजूद है जो कि टीम नंबर 6 का स्क्वाड। टीम नंबर 6 यहाँ पे 3 प्लेयर्स अलाइव है। टीम नंबर 15 के 4 प्लेयर्स अलाइव है। हमें यहाँ पे 3v4 सिचुएशन देखने को मिलेगी दोनों स्क्वाड्स के बीच में। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसके ऊपर अटैक करता है और किसको फिनिश आउट करने की ट्राई करेगा। मुझे यहाँ पे PS के रश, मुजरिम एंड जोगो वाइटी, जबकि सामने टीम नंबर 15 में R2H के 4 प्लेयर्स मौजूद है। वन शॉट निंजा अहमद एंड इंसेन। लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने मिलती है। R2H निंजा यहाँ पे काफ़ी प्यारे एंगल पकड़े बैठे हुए हैं। नॉक करने की ट्राई की जाएगी अप अबव द टॉप बिल्डिंग। लेट्स सी यहाँ पे कितने प्लेयर्स
डाउन हो पाते हैं टीम पी एस के। आई थिंक यहाँ पर टीम ने 15 की जान से क्लोजिंग करने की ट्राई की जा सकती है, जबकि टीम नंबर 6 को 3 मैन स्टार्टिंग पावर के साथ यहाँ पर डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को। देखते हैं अगर क्या सिचुएशन देखने मिलेगी, उसी का 69 प्लेयर्स अलाइव एंड 18 टीम्स अवेलेबल। अभी तक एक बंदा आई थिंक जो कि एक्स्ट्रा प्लेयर था वही फिनिश हो गया, जिसकी वजह से एक टीम कम हो गया है। टोटली यहाँ पे 18 की 18 टीमें अभी भी वेरी गुड अलाइव हैं। जो जो भी स्ट्रीम को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। दिस टूर्नामेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय आरजीसी लाइव, उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, कुछ अभी चेक हिम आउट एंड उनको लाजमी सब्सक्राइब करके आइएगा। लेट्स सी हम यहाँ पे दोनों स्क्वाड्स के बीच के फाइट में कौन सा स्क्वाड सर्वाइव करता नजर आएगा। एनी वेज यहाँ पे टीम ने 15 जान से क्लोजिंग किया जाएगा। आठ वर्ष के निंजा यहाँ पे डाउन हो सकते हैं, लेकिन पी एस के रश गॉड के पास आई डोंट थिंक यहाँ पे गन मौजूद थी। यहाँ पे 8 वर्ष के अहमद को पड़ चुका है डाउन। टीम नंबर 6 की जान से टीम 15 के बाद डाउन पड़ा, टीम 6 स्टिल 3 प्लेयर्स लाइफ है। 8 वर्ष के वन शॉट विदाउट गेटिंग एनी स्टॉप लड़का क्लोजिंग करते हुए, लेट्स सी वन शॉट कितने बंदों को डाउन कर पाएगा, बिकॉज सामने पी एस के 3 प्लेयर्स अभी भी वेरी गुड अलाइव है। टीम 8 वर्ष के 2 बंदे डाउन की, टीम 8 वर्ष के 3 बंदे डाउन हो चुके हैं, जबकि एक बंदा फुल फिनिश हो चुका है। 8 वर्ष वन शॉट वाइटी इज द ओनली मैन स्टैंडिंग इन टीम 8 वर्ष। लेट्स सी वन शॉट यहाँ पे कितने प्लेयर्स को डाउन कर पाएगा, क्या यहाँ पे 8 वर्ष का बंदा सर्वाइव कर पाएगा। 1v3 आ चुके हैं यहाँ पे अटैक करते हुए, 1v2 वन शॉट यहाँ पे डाउन कर चुके बंदे को, पीएस के दूसरे बंदे को अटैक करते हैं। यहाँ पे लड़का काफी लो एचपी ऑलरेडी, लेट्स सी वन शॉट यहाँ पे कितने बंदों को डाउन कर पाएगा। शॉटगन के सामने नहीं जा रहा लड़का, पीएस चोको वाइटी शॉट का स्पीकअप करने की ट्राई की जा रही है। टीम पीएस के 2 प्लेयर्स अलाइव हैं और यहाँ पे पीएस के मुजरिम बहुत ही प्यारा अटैक करके टीम 8 वर्ष को फिनिश आउट करते हुए 3 मैन स्टैंडिंग पावर टीम पीएस यहां पे कर चुके हैं सर्वाइव, जबकि टीम 8 वर्ष 4 मैन स्टैंडिंग पावर होने के बावजूद लड़कों ने बहुत जल्दबाजी की है, खुले से रश करने की ट्राई की है, जिसकी वजह से पूरा स्क्वाड यहां पे एट 18th पोजीशन एलिमिनेट हो गया है। उसी का 65 प्लेयर्स अलाइव एंड 17 टीम्स अवेलेबल। लेट्स सी मजीद फाइट्स यहां पे कौन कौन से स्क्वाड के बीच में देखने को मिल सकता है। एनीवेज यहां पे एनएक्सजी के बंदे को डाउन किया गया टीम D7 की जान। पोजीशन निकालेगा सुल्तान, ओके सुल्तान के पास यहाँ पे अभी तक गन भी नहीं है, ये लड़का तवा लेके घूम रहा है, पता नहीं कौन से बॉट मारने जा रहा है। यहाँ पे एनएक्सजी के सोल हो चुके हैं डाउन, लेट्स सी सुल्तान यहाँ पे एनएक्सजी के स्क्वाड को कौन सी पोजीशन तक पहुंचा पाएगा। अवेलेबल यहाँ पे 2 टीमों के बीच में मुझे मजीद क्लैश देखने को मिलता है। टीम SW यहाँ पे काफी क्लोज है, टीम नंबर 13-15 कौन सी टीम है, ये पिंक वाली टीम नंबर 8 है। यहाँ पे टीम नंबर 8 के बिल्कुल क्लोज से रोटेशन दी गई है यहाँ पे टीम नंबर 14 की जानब से, लेकिन लकीली यहाँ पे कोई भी बंदा टीम नंबर 14 का अभी तक डाउन नहीं हुआ है। लेट्स सी मजीद फायर सीन कौन कौन से स्क्वाड के बीच में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टीम MES नो रिपना के अंदर सर्वाइव कर रही है, टीम 21 MFS यहाँ पे मिलिट्री बेस के अंदर सर्वाइव कर रही है। लेट्स सी यहाँ पे मजीद, आई थिंक यहाँ पे टीम नंबर 12 और टीम नंबर 4 के बीच हमें फायर सीन मे भी देखने को मिल जाए, बिकॉज लड़के दोनों क्लोज हैं। लेट्स सी क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, अभी तक तो कोई भी स्क्वाड एक दूसरे के आमने सामने मौजूद नहीं है। जो जो भी सीन को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। दिस इज PMSL सेमीफाइनल्स ग्रुप बी डे 1 फर्स्ट मैच हमारा आज का पहला मैच होने जा रहा है। देखते हैं इस मैच चिकन कौन सी अपने नाम करती हैं। अभी तक हमारे टोटल 7 मैचेस रिमेनिंग है, आज के दिन में 4 मैचेस होंगे, एक मैच हमारा पहला स्टार्ट हो चुका है, 3 मैचेस रिमेनिंग। लेट्स सी हमारे आज के मैचेस में कौन कौन सी टीम सक्सेसफुली पॉइंट्स गेन कर पाएगी, बिकॉज द हाईएस्ट वन इज गोना सर्वाइव। सही में था बहुत क्या ये क्या बोल रहे शैडो किलर, तोतला में वो कमेंट तुम तोतले कर रहे हो। सही नहीं मेहताब, जरा मेहताब बताना क्या मसला हुआ था डिस्कॉर्ड पे, इतने बंदे क्यों कटे हुए हुए थे। ओके भाई यहाँ पे पीएस के पावर शो के पीछे पड़े हैं, अभी टीम नंबर 12 के बंदे लड़के बगी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आई थिंक लड़के यहाँ पे फॉल बैक कर चुके हैं। अगर आगे आते तो शायद पीएस के स्क्वाड टीम
एकदम 4 KPS पावर शो को काफ़ी अच्छा कवर प्रोवाइड कर सकता था। यहाँ पे 3 और 12 के बंदे फिनिश हो सकते थे, लेकिन लकीली लड़कों ने मजीद क्लोज इन नहीं किया। चलते हैं बात करते हैं 3 और 12 की, रोटेट करते हैं यहाँ पे, काफ़ी क्लोजली रोटेट किया जा रहा है। टीम नंबर 4 अभी तक यहाँ पे सर्वाइव करी इस टाइम के अंदर, देखते हैं कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। सॉरी अगर मैं ज़रा ना आराम स्लोली और स्लो स्लो बोल रहा हूँ, यू नो द रीज़न, मैं बार बार क्या बताऊँ, समझा करो बात को, मन दिखला करो रात को, फिर कहते हैं देर है मेहताब ने छेड़ा है। ओके बॉयज, उसने कहा 63 वर्सेस 5 और 17 टीम्स अवेलेबल भाई। यहाँ पे टीम ठंडे की जानब से क्लोज इन हो सकता है, टीम सारो की जानब मूव इन किया जा सकता है। लेट्स सी टीम ठंडे यहाँ पे क्या कर रही है। यार सही बोल रहे हैं या थोड़ा सा और जोर लगाऊं? आज वैसे कोई ना स्टार्टिंग में इतनी टीम में बिल्कुल पुश करने का सोच ही नहीं रही है भाई, फुल फुल चिपक के बैठी हुई है अपने अपने कंपाउंड में, रेस्ट कर रही है, लूट करने की ट्राई कर रही है, कोई भी पुश करने का नहीं सोच रही है। ओके बॉयज, हम यहाँ पे क्लोज इन देखने को मिल सकता है टीम MFS और टीम MES के बीच में, टीम नंबर 17 वर्सेस टीम नंबर 22, कौन करेगा किसको फिनिश ऑफ, लेट्स सी राइट आउट ऑफ सम टाइम। यहाँ पे काफ़ी क्लोज क्लोज से कोचिंग की मूव इन मूव बैक किया जा रहा है MES की जानब से, लेकिन टीम MFS के दूर हो चुकी है। यार जिसके पास मैं जाता हूँ लड़के लड़ेंगे 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 और फिर नहीं लड़ते, लड़ दो यार थोड़ा सा लड़ दो, कोई को गोली चला लो तो मुझे तो थोड़ा मज़ा है देखने। अच्छा सॉरी, ये नहीं खेलो, खेलो आराम से खेलो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठेंगे हम। कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा, 10 रुपये की फाइट, 10 रुपये की फाइट, 10 रुपये। ये इधर से इधर जाएंगे, ये इनके साथ लड़ेंगे, फिर इनसे इधर आके लड़ेंगे, फिर यहाँ से आगे इधर लड़ेंगे, फिर यहाँ से आगे इधर लड़ेंगे, फिर इधर से आगे इधर। ओए फाइट होने लगी, फाइट 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 फाइट। ओके फुल सप्रे दी जा रहे हैं अपनी टीम नंबर 11 के ऊपर, सायर की जान से सारे के क्रैक भैया यहाँ पे, आई थिंक दीवार के पीछे करें, घर के पीछे करें, जो जिसके पीछे करें मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पे क्रैक ओपन में भागते हुए टीम नंबर 11 के जाना मूव इन करते हुए, लेट्स सी क्रैक यहाँ पे कितने बंदों को डाउन करेगा। लड़का जितने जोश और जज्बे से जा रहा है आज से उसको क्लच करना चाहिए। चलते हैं फिर टीम नंबर 11 की बात करते हैं, लेट्स सी टीम सैरों की जान से अटैक किया जा रहा है। रेक्स के टाइटन यहाँ पे 50% HP के साथ भाग चुके हैं टीम सैरों के सामने से, और एक बार फिर से हमें फायर सीन देखने को नहीं मिला, क्या करें। ओके यहाँ पे टीम रेक्स यहाँ से क्लोजिंग किया जा चुका है पार्टनर्स के ऊपर। टीम नंबर 11 के यहाँ पे 3 प्लेस मिली थी जबकि पार्टनर्स की बात की, जहाँ पे टीम नंबर 6 के पहले से ही 3 बंदों ने होल किया हुआ था। यहाँ पे हमें 3v3 सिचुएशन देखने मिले कि दोनों स्क्वाड्स के बीच में टीम नंबर 6 वर्सेस टीम नंबर 11, कौन सा स्क्वाड किसको पिकअप करेगा, लेट्स सी राइट आफ्टर द मोमेंट। मुझे यहाँ पे टीम PS के मुजिम, चोको वाइटी एंड रश चो, जबकि टीम RX की बात की, RX के टाइटन रियान, रेक्स के टाइटन रियान एंड जल्लाद यहाँ पे मौजूद हैं। 3v3 सिचुएशन है दोनों स्क्वाड्स के बीच में, काफ़ी प्यारी जगह बैठा हुआ है यहाँ पे, वैसे ना PS का मुजिम ईजिली ग्रेनेड से यहाँ पे पिकअप किया जाए, बहुत ही ऑब्वियस जगह पर बैठा हुआ है। लेट्स सी टीम नंबर 11 यहाँ पे टीम नंबर 6 को फिनिश ऑफ दे पाएगी या नहीं। आयशा या तुम तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या तुमने स्ट्रीम को म्यूट किया हुआ है, इतनी बातें मैंने तुमसे पूछी है तुमने किसी का जवाब नहीं दिया।
ओके बॉस, यहाँ पे यूट्यूब ताहा को डाउन कर दिया गया। आई वी के सैम की जानव से टीम नंबर 11 अभी भी सर्वाइव कर रही है, फॉल बैक करने की टाइगर जाएगी, जबकि बैक से टीम 21 आ चुके हैं। पर टीम 21 की जानव से टीम नंबर 6 पे क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। वैसे कॉस्ट 61 प्लेयर्स अलाइव है, 617 टीम्स अवेलेबल, अभी तक मजीद कोई भी स्क्वाड एलिमिनेट नहीं हुआ है। एस सी डब्ल्यू वर्सेज पी एस देखने में टीम एस डब्ल्यू के काफ़ी बंदों को पड़ा है डाउन। लेट्स सी टीम एस डब्ल्यू में कौन सी टीम सर्वाइव कर पाएगी। फिलहाल चलते हैं वापस टीम नंबर 11 को ही वॉच करने के। 34 प्लेयर्स की जान से जो यूट्यूब था को डाउन किया गया, उसी का 60 प्लेयर्स लाइफ एंड 617 टीम्स अवेलेबल। एमएफएस किलर यहां पे टीम पीएस के बंदे को डाउन दे चुके हैं और फुल फिनिश आउट भी करा चुके हैं। टीम एमएफएस ई किल अपने नाम करते हुए टीम 6 यहां पे काफ़ी नुकसान हुआ, बिकॉज पहले ही लड़के तीन थे, ऊपर से यहां पे एक और बंदा उनका फिनिश आउट हो चुका है। टीम नंबर 6 टू प्लेयर्स लाइफ है टीम 31 की जानब से, हम यहां पे क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। टीम नंबर 11 के 3 प्लेयर्स लाइफ है। फाइनल हम यहां पे 3 स्क्वाड के बीच में 3v2v1 सॉरी 4 सिचुएशन देखने मिलेगी। लेट्स सी यहां पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। ओके बॉयज, टीम 21 के 4 प्लेयर्स अलाइव है, टीम 62 प्लेयर्स अलाइव है, टीम 11 के 3 प्लेयर्स अलाइव है, कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करेगा, लेट्स सी इन अ मोमेंट। यहाँ पे 34 प्लेयर्स की जानव से एमएस के मुर्शिद वाइटी को डाउन करा दिया गया है। टीम एमएस वर्सेस एमएस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टीम पीएस को यहाँ पे गिरने तो किए जा रहे हैं। रेक्सी जान से यहाँ पे कंपाउंड को होल्ड करने की जाएगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही टीम एमएस फाइट कहाँ पे कर रही है। चलते हैं यहाँ पे टीम 23 की बात करते हैं, मौजूद है पे टीम एमएस ऑफिशियल कपल लाइन मौजूद है, राइट साइड पे इनके टीम एमएस का कोल लाइन मौजूद है। देखते हैं कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। टीम 12 वो सिर्फ टीम 23 यहाँ पे एम एस के शेड वाइटी को भी डाउन करा दिया है टीम 23 की जानव से। लेट्स टेक अ कैमरा व्यू, मुझे तो यहाँ पे टीम 23 के भाई टीम नंबर 19 के एम एस के शेड वाइटी को भी डाउन करा दिया गया है। एम एस के हंटी इज द ओनली मैन स्टैंडिंग जो कि आई थिंक ए एफ के हैं। यहाँ पर टीम एम एस जो कि सेकंड लाइन पर टीम एम एस का, उसका अकेला ही बंदा बचा हुआ जो कि ऑफलाइन है। लेट्स सी हंटी यहाँ पे कितनी देर सर्वाइव कर पाएंगे, और लड़का यहाँ पे आउट ऑफ द जोन भी मौजूद है। चलते हैं बात करते हैं टीम नंबर 12 की, जो कि एम एस ऑफिशियल के काफ़ी क्लोज है। टीम नंबर 12 के यहाँ पे 4 प्लेयर्स अलाइव हैं, टीम एम एस ऑफिशियल के 4 प्लेयर्स लाइफ हैं। 44 सिचुएशन है अभी दोनों स्क्वाड्स के बीच में। लेट्स सी अभी कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। विजेट को 53 प्लेयर्स लाइफ है, 16 टीम्स अवेलेबल। लेट्स सी वापस चलने पर अपार्टमेंट्स की जानब, जहाँ पे टीम एम एफ एस टीम रेक्स और टीम पी एस अभी तक फाइट कर रही है, किसी भी स्क्वाड ने किसी भी कुछ नहीं दिया है। लेट्स सी तीनों स्क्वाड यहाँ पे मजीद कितना होल्ड करेंगे, कौन किसको एलिमिनेट करने की ट्राई करेगा। टीम नंबर 11 के 3 प्लेयर्स लाइफ है, टीम पी एस के 2 प्लेयर्स लाइफ है, और टीम एम एफ एस के भी अभी तक 4 प्लेयर्स अलाइव हैं। लाद भाई अब क्या कर रहे हो, हैं स्ट्रीम स्नैप कर इसलिए लेट हो, बस पकड़ लिए मैंने। ये बॉयज टीम नंबर 62 टीम एम एफ एस की बात करते हैं, टीम एम एफ एस के पास एम एफ एस के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि लड़के यहाँ पे टीम नंबर 6 से पूछ देंगे, बिकॉज लड़के दो हैं पहले से ही, और उनको ये भी पता है कि उनका एक बंदा हेलमेट हो चुका है। अगर दो का ना आइडिया हो, कम से कम उनको तीन का आइडिया ही होगा, तो 4 बंदे तो आई थिंक 3 पे पूछ दे सकते हैं। एनी वेज यहाँ पर टीम एम एफ एस के ऊपर अटैक किया जा रहा है टीम नंबर 17 की जानव से। चलते हैं टीम नंबर 17 की बात करते हैं, टीम 17 के यहाँ पे 4 प्लेयर्स लाइफ हैं, दो साइड्स पर वॉच किया जा रहा है टीम नंबर 17 की जानव से। टीम नंबर 8 को वॉच किया जा रहा है और टीम एम एफ एस को भी वॉच किया जा रहा है। लेट्स टीम नंबर 17 यहाँ पे कितने प्लेयर्स को डाउन करवाई, अपने प्लेयर को क्यों फायर दे रहे हो, क्यों डरा रहे बेचारे को, तरह निकाल दिया तुमने। ओके भाई चलते हैं टीम नंबर 3 की बात करें, टीम नंबर 3 के अभी तक 4 प्लेयर्स अलाइव हैं, बिल्कुल चिल बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी मुझे फाइट्स नहीं देखने का वो अमकाना नजर नहीं आ रहे हैं। पहला जोन यहाँ पे क्लोज होने वाला है, टीम आ रही और टीम सारे यहाँ पे काफी क्लोज आ चुके हैं। चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे टीम एमएफएस के पैंथर ने टीम एमईएस के स्कॉर्पियो को दे दिया है डाउन, और मुझे एक बार फिर से नहीं पता कि लड़के कहाँ फाइट कर रहे हैं। ओके ओके मिल गया मिल गया मिल गया, ओके बॉयज टीम एम एस के यहाँ पे 4 प्लेयर्स अलाइव हैं। वॉच करते हुए टीम नंबर 17 को 44 सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं हमें दोनों स्क्वाड्स के बीच में, लेकिन कोई भी स्क्वाड यहाँ पे किसी पे क्वेश्चन करने की ट्राई नहीं करेगा, सभी लड़के यहाँ पे बिल्कुल जगह को होल्ड करके बैठे हुए। लेट्स सी कौन सा स्क्वाड हमें यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेट होता नजर आएगा। उसी का 53 प्लेयर्स अलाइव है, 16 टीम्स अवेलेबल। लेट्स सी मजीद फाइट्स हमें यहाँ पे कौन कौन से स्क्वाड के बीच में देखने को मिल सकता है। जोन इज इंटरेस्टिंग वाइट आफ्टर सम सेकंड, यहाँ पे दो स्क्वाड फिर से एक बार काफी क्लोज आ चुके। चलते हैं बात करते हैं टीम 23 की, उनके ऊपर आई थिंक पुश हो चुका है या फिर 7 से रोटेशन दी जा रही है टीम नंबर 12 की जानव से। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करने की ट्राई करेगा। मुझे तो यहाँ पे टीम 23 के 4 प्लेयर्स वेल एंड गुड अलाइव, टीम नंबर 12 के आरी रशेवाटी को स्पिक दे के नॉक करने की ट्राई की गई, लेकिन यहाँ पे लड़के करते हुए सर्वाइव। देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम किसको करती है टाउन, जबकि सामने टीम आरी के सिर्फ 2 प्लेयर्स वेल एंड गुड अलाइव हैं। चलते हैं वापस, यहाँ पे टीम के बीच में नहीं होगी, जबकि यहाँ पे जोन काफ़ी प्यारा बने, बहुत सारे स्क्वाड यहाँ पे ऑलरेडी जोन के अंदर मौजूद है। टीम एम ई एस की जानव से ऑफिस जोन जाके पुशिंग करने की ट्राई की जा रही है, लड़के लगता है गुस्सा करेंगे टीम ने 12 के बाद, अभी तो भाई मार की जाएंगे नहीं
कोई नहीं, अब तो छोड़ना ही नहीं है हमने। ओके बस यहाँ पर 23 जान से क्लोजिंग करने की ट्राई की जा रही है। लेट्स सी, शाबाश, क्या बात है। लेट्स टेक अ कैमरा व्यू, देखते हैं पे कौन सा प्लेट किसको टॉन करवाएगा। आरी इनफाइनाइट के ऊपर टैग किया जा रहा है एम एस मारियो की जानव से। एम एस मारियो वन एच पी के साथ करते हुए सर्वाइव में पे आरी के इनफाइनाइट डाउन हो चुके हैं। एल टी जी के विजर्ड भी छपे चुके, जबकि बाकी टीम आरी के बैक साइड से प्लेयर आ चुके हैं। आरी के 64 बिट्स और रेज वाइटी आ चुके हैं। लेट्स सी रेज वाइटी अपने टीम मेट कहाँ पे कवर दे पाएंगे या नहीं। विजर्ड का 52 पेज लाइफ है, 16 टीम्स अवेलेबल। यहाँ पर टीनो 12 के 2 पेज लाइफ है। 4 में स्टैंडिंग पावर था, 3 पॉइंट यहाँ पर अटैक करते हुए एल टी जी विजर्ड के ऊपर। लेट्स सी विजर्ड यहाँ पे कितनी देर मजीद सर्वाइव कर पाएगा। ग्रेनेड पिन करके यहाँ पे पिकअप करने पे ग्रेनेड नहीं छोड़ना चाहिए था, लड़का पिक कर सकता था। ग्रेनेड अगर छोड़ता यहाँ पे डाउन कर सकता, लेकिन यहाँ पे चौथी बेस यहाँ से डाउन कर दी गया है एल टी जी के विजार्ड को। द लास्ट में स्टैंडिंग ऑफ टीम नंबर 12 इज आरी रेज ओ आई टी। लेट्स सी रेज वाइटी यहाँ पर कितना सर्वाइव कर पाएंगे। लड़का गाड़ी लेके यहाँ पे भागने की ट्राई कर रहा है, फिर लड़का सर्वाइव करने की ट्राई करेगा, अपनी टीम को एक बेटर पोजिशन तक पहुँचाने की ट्राई करेगा। आई थिंक लड़का निकल चुका है, आई थिंक लड़का निकल चुका है। नो ही कैन सर्वाइव, लेकिन बैक साइड से टीम एम एस की जानब से भी मूविंग करने की ट्राई की जा रही है टीम नंबर 12 के आरी रेज वाइटी को। रेज वाइटी को लेट्स सी टीम एम एस यहाँ पे रेज वाइटी को भी फिनिश आउट करा पाएगी या नहीं। वैसे कपूर लाइफ एंड 15 टीम्स अवेलेबल, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने मिलेगी, कौन सी टीम किसको एलिमिनेट कर सकती है। हेलो रूबी, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, वेलकम ऑन द स्ट्रीम। ओके भाई, लड़के हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ पे टी वी एस से रेज वाइटी को ने डाउन किया था टीम एम ई एस के बंदे को, लेकिन लकीली यहाँ पे टीम एम ई एस की हमसे काफ़ी अच्छा कवर प्रोवाइड किया गया और फिनिश आउट करा दिया गया टीम नंबर 12 को। रेक्स के रेन ने यहाँ पे पी एस के जायलम वाइटी को दे दिया डाउन। चलते हैं एक बार फिर से अपार्टमेंट की जान, जहाँ पे हम यहाँ पे टीम नंबर 11 के अपार्टमेंट देखने को मिलते थे। टीम पी एस के यहाँ पे एक और बंदे को डाउन कराया गया, लेकिन वो टीम नंबर 6 का बंदा नहीं था। लेट्स सी टीम 11 यहाँ पे मजीद कितने के लिए नाम करेगी। अपार्टमेंट्स के अंदर भाई मेरी एक सस्ता पी सी यहाँ पे ग्राफिक्स एंड करने की ट्राई करें, लेकिन बेचारे की हिम्मत हो रही है, मैं कैसे रेंड करूं, हिम्मत खत्म हो चुकी है इसकी, सांस खत्म हो रहा है भाई। क्या सांस निकल नहीं करनी गेम तुम्हारी, क्या हो गया तुम्हें, देखो स्ट्रीम करो बिस्तर कराओ मेरी। माना कि सस्ता पीसी है मेरे पास, लेकिन इतना भी सस्ता। ओके सॉरी। ओके भाई, उससे लिखा 47 प्लेस लाइफ एंड 14 टीम्स अवेलेबल, यहां पे टीम 24 को स्पॉट कर रहे हैं। चलते हैं भाई लेट्स टेक अ कैमरा व्यू। आयशा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ओके बस T7 चैम्बलर की जान से यहाँ पे सायरो के बंदे को बड़ा हेड डाउन। चलते हैं बात करें सायरो की, को अभी काफ़ी दूर है लड़की लड़कों का, आई डोंट थिंक अब क्लैश होगा। चलते हैं नंबर 18 की जान एम एफ एस स्ट्राइक और शेर खान का डाउन बढ़ा है। नई और मोटर वाइटी अपने लाइफ है, सी नई और मोटर वाइटी अपने टीम मेट को बचा पाएंगे नहीं, जबकि इनके सामने टीम नंबर 10 मौजूद है 1 मिनट डाउन के साथ। लेट्स सी लड़कियाँ पे मजीद कितना सर्वाइव कर पाएंगे। एम एफ एस के शेर खान के पे डाउन पड़ा हुआ है, इसको डाउन पड़ा कहाँ से है वैसे? आई थिंक टीम 21 की जान से मे भी इनको डाउन पर टीम 21 जो क्या जिसमें मुझे एम एफ एस के फरहान मौजूद हैं, काशु हैं, किलर हैं, हिटमैन हैं, जबकि इनके सामने टीम नंबर 6 टीम नंबर 11 है। उनकी बैक से टीम का एम एफ एस शेर खान डाउन पड़ा हुआ है। यहाँ पे काशु की जान से फिनिश आउट कराया जाएगा एक शेर खान को। उसी का लाइफ एंड टीम नंबर 18 लेट्स यहाँ पे, लेकिन काशु को मे भी शायद आइडिया नहीं है कि वहाँ पर डाउन पड़ा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कैसे टीम के सामने की टीम नंबर 10 मौजूद है। गाड़ी को खराब करने की टाइम जरिए बगी खराब होने की पड़ चुकी। ओके भाई, यहाँ पे काशु ने गाड़ी को ब्लास्ट करके सामने टीम नंबर 10 मौजूद है। देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 21 के एमएफएस काशु मजीद यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। वसील का 45 प्लेस अलाइव है, 14 टीम्स अवेलेबल। चलते हैं यहाँ पे टीम नंबर 7 के अभी तक 4 प्लेस अलाइव हैं। टीम्स की बात करते हैं कौन कौन टीम अभी तक अलाइव है, लेट्स सी। एनीवेज यहाँ पर टीम नंबर 4 के बंदा अभी तक लाइव है, टीम नंबर 62 प्लेस लाइव है, टीम नंबर 7 के 4 प्लेस लाइव है, टीम नंबर 8 के यहाँ पे पता नहीं कौन सी टीम है। टीम नंबर 10 के यहाँ पे आरी के 4 प्लेस लाइव है, टीम 11 के 3 प्लेस लाइव है, टीम 17 के 4 प्लेस लाइव है, टीम 18 के 2 प्लेस लाइव है, टीम 20 के डेड सुल्तान ये भी अभी तक सर्वे जिंदा है भाई, ये कैसे जिंदा रह गया। टीम 21 एम एफ एस के अभी तक 4 प्लेस लाइव है, टीम 22 आरी एम ई एस के 4 प्लेस लाइव है, टीम 23 एम ई एस ऑफिशियल के 4 प्लेस लाइव है, D7 के 4 प्लेस लाइव है, टीम 25 सायरो के भी 4 प्लेस लाइव है। उसे का 45 प्लेस लाइव है, 14 टीम्स अवेलेबल। चलते हैं लेट्स सी मजीद फाइट सीन हमें यहाँ पे कौन कौन से स्क्वाड के बीच में देखने को मिल सकता है। भाई अपार्टमेंट्स को तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है कोई टीम है। D7 की जहाँ से अभी क्लोजिंग किया जा रहा है भाई, एक जो इनके पास कंपाउंड मिलता है इसको होल्ड किया जा सकता है, जबकि T7 और बाकी सारे कंपाउंड पहले से होल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे एक स्क्वाड खाली और एक ये वाले कंपाउंड खाली है, इसके अलावा तो भाई सारे कंपाउंड ऑलरेडी होल्ड हो चुके हैं। चलते हैं टीम 23 की बात करें, टीम 23 की जानव से एक बार फिर से फाइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, काफ़ी एग्रेसिव गेम प्ले देखने को मिल रहा है यहाँ पे टीम एम एस की जानव से। 8 के लड़के पहले अपने नाम कर चुके हैं टीम एम एस के, हमारे यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। एम एस की चौथी प्लेस इलमार्स और आई वी के सैम जॉट अभी तक लाइव है। लेट्स सी टीम 23 यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव करेगी, किस पे पोजीशन करने की ट्राई करेगी। विस्ट का फुटबॉल प्लेयर लाइव एंड 14 टीम्स अवेलेबल। यहाँ पर टीम नंबर 17 की जानव से अटैक किया जा रहा है टीम 23 के ऊपर, लेकिन अभी तक मजीद को बंदा डाउन नहीं हुआ। एम एफ एस के पैंथर को स्पॉट कर ले गया, लड़का पहली काफी का डैमेज यहाँ पे डाउन कर दी गया आईवी सैम की जानब से। टीम 23 के प्लेयर की जान से हम टीम 17 के प्लेयर को डाउन कर दिया। लेट्स सी टीम एमएस यहाँ पे क्लोजिंग करेगी या नहीं।
ओके बॉय, जब मैं फिर पैंथर को चौथी प्लेस की जानब से डाउन कर दिया आई वी के सैम और बिल्कुल 1 एचपी परसेंट के साथ करते हुए सर्वाइव, जबकि इनके सामने टीम ऑफ सैम के 2 प्लेस अलाइव हैं। लेट्स सी सैम यहाँ पर मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा। आई थिंक लड़के को यहाँ पे पहले हील करना चाहिए था फिर अटैक करना चाहिए, लड़के ने बहुत गलती किया है। बिल्कुल 1% एचपी के साथ लड़का अटैक कर रहे हैं वहाँ पे। एमएफएस के अच्छे से यहाँ पर डाउन पड़े हुए, एमएफएस की टॉक्सिफाई वाईटी अभी तक अलाइव अपने प्लेयर को डाउन कर सॉरी रिवाइव करने अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर चौथी प्लेस की जानब से मे भी मुझे अटैक देखने को मिल सकते हैं। देख लेट्स सी चौथी प्लेस और टीम एमएस के हमारे यहाँ पर अटैक करेंगे, यानी भाई एमएस की यलमास यहाँ पर रिवाइव देना पड़ेगा बिकॉज लड़का पहले से ही यहाँ पर ब्लीड ड्रॉप होने वाला है। देखते हैं हमें क्या सिचुएशन देखने वाली। चलते हैं बात करते हैं टीम 17 की। टीम 17 यहाँ पर 2 प्लेयर फिनिश हो चुके हैं, 2 प्लेयर अलाइव हैं जैसे एंड टॉक्सिफाई वाईटी पर अटैक की जा रही है। चौथी प्लेस की जानब से पिकअप करने की अटैक की जा रही है, यहाँ पर टॉक्सिफाई डाउन हो सकते हैं लेकिन समहाउ लड़का करते हुए यहाँ पे सर्वाइव 30% एचपी के साथ एक बार फिर से इस्तेमाल करके सर्वाइव करने की टैगी जा रही है। लेट्स सी टॉक्सिफाई वाईटी अब मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा। टीम एम 17 इस पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज बहुत अच्छा अटैक किया जा रहा है टीम एम एस की जान से। टीम एम एस का एक बंदा फुल फिनिश हो चुका है सॉरी फिनिश ऑफ नहीं हुआ, 4 प्लेयर्स वाले गुड लाइव है। टीम 17 के 2 बंदे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स लाइव है। टॉक्सिफाई वाईटी को एक बार फिर से यहाँ पे नॉक फिनिश करा दी गया। एम एफ एस के अच्छे से यहाँ पे गाड़ी लेके भागने की ट्राई करेंगे, लेट से लड़का यहाँ पे भागने में कामयाब हो पाएगा। यानी जब जिस तरफ लड़का जा रहा है वहाँ पहले से पूरा स्क्वाड बैठा हुआ है, और अपार्टमेंट्स की तो बात ना करो मेरी जान, वहाँ पे तो पहले से 3 स्क्वाड है। कहाँ जा रहे हो? ओके भाई लड़का यहीं रुक गया। ओके भाई उसल को 41 प्लेयर्स अलाइव एंड 14 टीम्स अवेलेबल। ओके भाई यहाँ पे एक और टीम फुल फिनिश हो चुकी है, टीम थंडर के प्लेयर्स बच चुके हैं। टाउन चलते हैं बात करें टीम सैरो की। टीम सैरो ने यहाँ पे 2 नॉक्स के साथ टीम थंडर को विद इन अ सेकंड फुल एलिमिनेट करा दिया। टीम थंडर जान चैनल से आई थिंक स्लैमिंग हुआ था मे बी टेट्स वाइल लड़के विद इन अ सेकंड यहाँ पे एक स्क्वाड फुल फिनिश हो चुकी है। टीम सैरो को डाउन पड़े हुए लेकिन इजी लोग इनके लिए काफी रिवाइव करना। जोन की बात की जाए जोन यहाँ जोन के एडवांटेज यहाँ पे मिल चुका टीम B7 को, और टीम MFS यहाँ पे कंपाउंड्स होल्ड करके जोन के एडवांटेज ले सकती है, जबकि बाकी तमाम स्क्वाड को यहाँ पे जोन में मूविंग करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया यहाँ पे पार्टनर्स वालों के लिए जोन में मूविंग करना बिकॉज इनकी तो गाड़ियाँ भी यहाँ पे खराब हो चुकी हैं, और एक स्क्वाड निकलेगा दूसरा मारेगा, दूसरा स्क्वाड निकलेगा तो पहला मारेगा। लेट्स यहाँ पे कौन सी टीम सक्सेसफुली अपार्टमेंट से सर्वाइव करके जोन में मूव इन कर पाएगी। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जितने प्लेयर्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 प्लेयर्स आउट ऑफ जोन ही मरेंगे। लेट्स सी देखते हैं इनमें से कोई सर्वाइव कर पाता है नहीं। इसके अलावा टीम नंबर 10 के भी यहाँ पे 3 प्लेयर मौजूद हैं जो कि मुझे बाद में रेंडर हुए हैं, और इनके पास गाड़ियाँ भी काफ़ी मौजूद हैं। ये गन का प्लेयर डिस्कनेक्ट, ओके इनका एक प्लेयर डिस्कनेक्ट है। लेट्स सी टीम आ रही है मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगी। लड़के पास गाड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं, आई थिंक दे कैन गेट इन द जोन इजीली। विज का 37 प्लेयर्स अलाइव, 13 टीम्स अवेलेबल। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत तोतला लग रहा हूँ तो सॉरी फॉर डैट, मजबूरी है मेरी, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, बस किसी तरह हिम्मत करके मैं बोल रहा हूँ। हालांकि एक एक वर्ड बोलते हैं मुझे घूम तरत हो रही है मुँह में। एनी वे टीम 25 के जाने बढ़ते हुए टीम आ रही है अपन। लेट्स सी अपन यहाँ पे कितना सर्वाइव कर पाएंगे। उसी का 35 प्लेयर्स अलाइव, 13 टीम्स अवेलेबल। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी टीम सक्सेसफुली जोन में मूव कर पाती है। चलते हैं पे टीम नंबर 11 की बात करते हैं। लेट्स टेक अ कैमरा व्यू, देखते हैं पे कौन सी टीम किस पर अटैक करेगी। टीम आ रही है बंदा टाउन टीम 4 के साथ ही यहाँ पे अभी तक सर्वाइव करें। सामने टीम नंबर 10 के 3-4 प्लेयर्स अभी तक सर्वाइव करें। टीम 11 के 2 प्लेयर्स लाइफ है, और टीम PS के यहाँ पे 2 प्लेयर्स लाइफ है। इसके अलावा यहाँ पे टीम 21 के MFS HSM अभी तक सर्वाइव करें। टीम MFS ने यहाँ पे काफी अच्छे स्पॉट होल्ड किया हुआ है। अपार्टमेंट से जितने बंदे आएंगे यहाँ पे टीम MFS वाले उनको नॉक फिनिश ऑफ दे सकते हैं, किल पिक कर सकते हैं। देखते हैं हमें क्या सिचुएशन देखने वाली की। टीम नंबर 11 के बंदे को दिया जा रहा है रिवाइव। RX के अभी तक 3 प्लेयर्स अलाइव है। टीम नंबर 4 के PS आदि अभी तक अलाइव है, जबकि टीम नंबर 6 के 2 प्लेयर्स अभी तक अलाइव है। चलते हैं यहाँ पे टीम नंबर 4 के PS आदि जान जिनके ऊपर क्लोजिंग किया जा रहा है टीम नंबर 11 की जानब से। देखते हैं आदि कितने प्लेयर्स को डाउन कर पाएंगे। भाई गाड़ियाँ शाड़ियाँ फुल ब्लास्ट कर देंगे पार्टनर वालों की, शादी बिल्कुल भी यहाँ पे ना फुटसेप नहीं दे रहे हैं। आई थिंक शादी अभी घुसे ना मार सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं बता रहा हूँ ये सब के सब यहीं मरेंगे, उन्होंने कहीं नहीं जाना, ये कहीं जा नहीं सकते। ओके बॉयज टीम नंबर 11 जहाँ से बगियाँ लेके जोन में मूविंग करने की अटैक जा रही है। शादी ने अटैक कर चुके हैं, फाइनली यहाँ पे शादी अटैक कर चुके हैं, बंदे को डाउन कर चुके हैं। रेक्स स्टिल 2 प्लेयर्स लाइफ है, लेकिन यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए रेक्स के बने यहाँ पे फुल फिनिश ऑफ हो जाएंगे आउट ऑफ द जोन। यहाँ पे मूविंग किया जा रहा है टीम नंबर 6 जहाँ से। भाई मुझे लग रही है इनमें बचना ही नहीं था, इनके पास गाड़ी नहीं थी। टीम 21 के प्लेयर्स यहाँ पे जोन में मूविंग करना पड़ेगा। चलते हैं टीम 24 की बात करें। टीम 24 के क्लोजिंग हो चुके हैं टीम नंबर 10 की जहाँ से। टीम 10 के 3 प्लेयर्स लाइफ है, टीम 24 के यहाँ पे 4 प्लेयर्स लाइफ है। 4v3 सिचुएशन दोनों स्क्वाड के बीच में, लेट्स सी कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करेगी। जब टीम 21 की जानब से जोन में मूविंग करने की टैग जाएगी, देखते हैं क्या टीम 24 या फिर टीम MFS की जिसको डाउन दे पाएगी। यानी उसी का 24 प्लेयर्स लाइफ है, 19 अवेलेबल। अभी तक मजीद नॉक नहीं निकला है टीम 21 के अंदर। टीम 21 अपना एक बंदा खो चुके हैं। टीम 24 के 4 प्लेयर्स लाइफ है, टीम नंबर 10 यहाँ पे स्मोक्स का इस्तेमाल करके सर्वाइव करने की ट्राई करी MFS के किलर की जानब से। RX के बने खुले विचार करा दी गई टीम 2 प्लेयर्स लाइफ है, 25 के साइड के 4 प्लेयर्स लाइफ है। टीम 24 के बंदे को डाउन करने की टैग जा रही है। RX के फान यहाँ पे अटैक की जा सकता है D7 के, ये क्या हैवन के ऊपर। भाई अलीओपी जान से कैंसर, अलीओपी जान से कैंसर मिलते हैं। भाई D7 के हैवन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।
कि उसके पीछे भाई एक बंदा बैठा हुआ है, टीम 24 के बंदा फुल फिनिश हो चुका है, टीम 24 के VS वाइपर आर्य फान के बिल्कुल सामने बैठे हैं। आर्य फान को भी आई थिंक आइडिया नहीं कि VS का बंदा उसके सामने बैठा हुआ है। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा अपडेट किसको फिनिश दे पाएगा, उसी का 25 लाइफ एंड 18 लेवल पर। लेट्स सी आर्य फान को अटैक करते हुए VS वाइपर को बहुत ही प्यार यहाँ पे आर्य फान की जान से रिफ्लेक्स देखने को मिला है, VS वाइपर को डाउन कर दिया गया है आर्य फान की जान से। एन एक्सीलेंट गेम प्ले यहाँ पे आरी के आदिल ओपी के ऊपर अटैक होते टीम 24 की जान से। यहाँ पर टीम 24 के D7 के प्लेयर्स डाउन कर चुके हैं टीम 10 के आदिल ओपी को। टीम 10 का आरी का अफान इज द ओनली मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टीम 24। 1v2 सिचुएशन आ चुके दोनों स्पॉट्स के ऊपर। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा ब्लेड किसको पिच अप करेगा। इसके अलावा टीम 25 की जान से क्लोजिंग हमें देखने मिलेगा, चार प्लेयर्स आ चुके हैं टीम सैरो के। टीम 24 के टू प्लेयर्स लाइफ हैं, टीम 10 के आरी अफान अभी तक लाइफ हैं, और टीम 10 के आरी अफान अभी तक लाइफ हैं, और टीम 25 के चार प्लेयर्स लाइफ हैं, जबकि उनके बैक साइड पर टीम 21 MFS के टू प्लेयर्स अभी भी लाइव है। यहाँ पे MS के स्कॉर्ड की जान से PS के मुजिम को पड़ा डाउन। तो एक और जगह में बहुत ज्यादा फाइटिंग देखने मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो जगह तो फाइट दिखा नहीं सकता। द जोन इज श्रिंकिंग अगेन, यहाँ पे काफी स्कॉर्ड को एक बार फिर से जोन में मूविंग करना पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन सा स्कॉर्ड यहाँ पे इजीली सक्सेसफुली जोन में मूविंग कर पाएगा। MFS मोटर की जान से जोन में क्लोजिंग किया जा रहा है, फिर सामने शेक को पहले से उसके एक बंदे ने होल्ड किया हुआ है। टीम 24 की स्टिल टू प्लेयर्स लाइव है। टीम सैरो के यहाँ पे तीन बंदों को थ्री फ्रीकिंग प्लेयर्स के यहाँ पे डाउन कर चुका है। टीम 21 की जान से MFS किलर की जान से जोन में आने की ट्राई की जा रही है, लेकिन अभी तक लड़का कामयाब नहीं हो पाया। टीम 22 के MS के स्कॉर्पियो को डाउन कर चुका है। टीम 22 के MS के आई थिंक स्टिल टू प्लेयर्स अलाइव हैं। देखते हैं कौन सा स्कॉट किसको एलिमिनेट कर पाएगा, वो स्कॉट 12 प्लेयर्स अलाइव एंड 16 लेवल पर। टीम 25 के प्लेयर्स को रिवाइव दिया जा रहा है। आई थिंक टीम 24 के पास ये काफ़ी अच्छा मौका था। सैरो के यहाँ पे तीन बार डाउन पड़े हुए थे, लड़के यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे टीम 24 की जान से होल्डिंग देखने मिला है। जोन का एडवांटेज आ चुका है टीम सैरो के ऊपर। टीम D7 को जबकि टीम नंबर 10 के आर्य फान यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करके सैरो के एक बंदे को फिनिश ऑफ देके खिलाफ नाम करी टीम 18 की जानब से आर्य अफान को फिनिश ऑफ कराया जा सकता है। देखते हैं हमें क्या सिचुएशन देखने मिलेगी। टीम सैरो के प्लेयर को एक बार फिर से रिवाइव दिया जा रहा है, ग्रेनेड थ्रो की जा रहे हैं, पिकअप करने की ट्राई की जा रही है, लेकिन अभी तक मजीद कोई ग्रेनेड कामयाब नहीं हुआ। MFS के मोटल वाइट का भी डाउन पड़ चुका है। हेलो वाइट की जानब से वो सिक्योर 11 प्लेयर्स अलाइव एंड 6 टीम्स अवेलेबल। देखते हैं कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। SSBMSL सेमीफाइनल्स ग्रुप बी डे 1 फर्स्ट मैच, देखते हैं हमारे पहले मैच की विक्ट्री कौन सी टीम अपने नाम करती है। दिस टूर्नामेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय डीसी लाइव, उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। गो चेक हिम आउट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब इन। लेट्स यहाँ पे कौन सी टीम किसको पिकअप करेगी। आर्य फान को फाइनली पिकअप कर लिया टीम D7 की जानब से। 2v1 सिचुएशन थी यहाँ पे। D7 एक और क्लब का नाम करते हुए टीम सैरो के 3 प्लेयर्स अलाइव हैं। टीम 18 के 2 प्लेयर्स अभी तक अलाइव हैं, जबकि टीम MES के भी 3 प्लेयर्स अभी तक अलाइव हैं। टीम D7 की जानब से थोड़ा सा क्लोजिंग देखने मिला, जबकि टीम MES को यहाँ पे काफ़ी डैमेज दे सकती है। लेट्स सी टीम D7 यहाँ पे मज़ीद कितना सर्वाइव कर पाएगी। लेट्स गेट डाउन अ लिटिल बिट। ओके एनीवे जो भी टीम को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम किसको एलिमिनेट करती है। ओएसी गॉट 2 प्लेयर्स लाइव 24 एंड 3 प्लेयर्स लाइव 25 3v2 सिचुएशन है। दोनों स्क्वाड्स के बीच में आए सैरो के यहाँ पे 3 प्लेयर्स लाइव हैं। ये सैरो वाले इतना अजीब नाम क्यों रखते हैं भाई, जो मेरे पढ़े भी नहीं जाते मेरे से, बिकॉज छह इंसान वाला नाम रख लिया करो। ओके बस देखते हैं कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करेगा। मैं सबके मोटो वाटी यहाँ से अटैक किया गया है। एक बार फिर से हम इसके मेटालो वाटी को पड़ चुका है डाउन। निंजा प्लेयर्स इन ऑनली मैन स्टैंडिंग इन टीम 22, जबकि टीम 18 के 2 प्लेयर्स लाइव यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं। टीम 25 पे क्लोजिंग करना ही पड़ेगा भाई, लड़कों पे क्लोजिंग करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर सर्वाइव। स्मोक से स्मॉल करके सर्वाइव करने की ट्राई जा रही है। यहाँ पे टीम सारे एग्जाम से ग्रेनेड पिन हो चुका है। एक प्यारा नेट जाएगा क्रैक की जान से, दोनों प्लेयर यहाँ पे फिनिश अप होंगे। बूम एंड यहाँ पे टीम MFS फुल फिनिश अप होते हुए फ्रॉम टीम 25 ग्रेनेड। टीम D7 की बात करें, टीम D7 के अभी तक किसी प्लेयर को डैमेज नहीं लगा है। लड़के यहाँ पे पिकअप करने की ट्राई करें, जबकि निंजा प्लेयर्स जहाँ पे T7 का काम खराब कर सकते हैं। अगर निंजा प्लेयर के पास फर्स्ट एड खत्म होगी ना, तो लड़का पक्का मारने की ट्राई करेगा। 8 फर्स्ट एड भी इसके पास मौजूद है। यहाँ पर D7 के प्लेयर को ईजिली नॉक मिल सकता है, सिर्फ लड़का हील बैटक कर रहा है इसलिए अटैक नहीं कर रहा है। जब इसकी फर्स्ट एड खत्म हुई तो D7 चेबर यहाँ पे पक्का नॉक हो जाएंगे। लेट्स सी टीम D7 यहाँ पे टीम सैरो को फिनिश अप करा के इस रूम को चिकन अपने नाम कर पाएगी या नहीं। अगर मैं आप लोगों को तोतला लग रहा हूँ तो सॉरी फॉर डैट, मेरे मुंह का ऑपरेशन हुआ है, बस मैं किसी तरह कास्टिंग कर रहा हूँ, तो हिम्मत मेरे अंदर एक लफ्ज़ बोलने की भी नहीं है। अच्छा सॉरी। ओके भाई टीम सैरो के जान से थोड़ा सा फॉल बैक चल रहा है, एक बंदा होल्ड कर रहा है, D7 को होल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे D7 के चैंबर के जान से जोन में मूव करने की ट्राई कर रही है। इन द स्मोक यहाँ पे काफ़ी डैमेज लगा टीम D7 का, भी एक बंदा लाइव है। सैरो यहाँ पे जोन में आ चुकी है, D7 चैंबर ओपन में लेटा हुआ है। लेट्स सी चैंबर कितने बंदा डाउन कर पाएगा। यहाँ पे सैरो के बंदे डाउन पड़े हैं। टीम सैरो के स्टिल टू प्लेयर्स लाइव है, फर्स्ट का इस्तेमाल करके D7 के बासी अभी तक लाइव है। निंजा प्लेयर्स यहाँ पे डाउन दे सकते हैं, निंजा प्लेयर्स यहाँ पे डाउन दे सकते हैं सैरो के बंदे को, लेकिन सैरो के प्लेयर ने बहुत ही प्यारा बैक साइड पर अटैक करके निंजा प्लेयर को डाउन कर दिया। D7 अबासी इज द ओनली मैन स्टैंडिंग विद 3 फर्स्ट एड। लड़के के साथ
सामने क्रैक बैठा हो, यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को विद इन अ सिंगल स्प्रे पिकऑफ किया जा सकता है अगर बहुत ही कोई गॉड लेवल एम लगाया जाए। लेट्स सी अब्बास यहाँ पे सैरो के क्रैक और थ्रो को फिनिश ऑफ दे पाएंगे, यानी आई थिंक उनको आइडिया के बंदा पीछे ही बैठा हुआ है, उनके बैक साइड भी मौजूद नहीं है। देखते हैं यहाँ पे अब्बासी कितने प्लेयर्स को फिनिश ऑफ दे पाएंगे। ओके भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारा अटैक करके टीम सैरो करती है इस रूम का चिकन अपने नाम। व्हाट अ गेम प्ले फ्रॉम टीम सैरो। बस मुझे रूम के बाहर ले जाओ भाई, यहाँ छोड़ दिया। हेलो हेलो व्हाट व्हाट इज दिस बिहेवियर। अरे भाई रिजल्ट नहीं शो करने क्या। एनीवेज यहाँ पे टीम D7 ने सेकंड पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट पोजीशन पर रही टीम सैरो और थर्ड पोजीशन पर रही टीम MES। बाकी मैं अनफॉर्चुनेटली मैं रिजल्ट आपको शो कर नहीं सकता बिकॉज मुझे तो गेम के बाहर ही नहीं लगी ये पबजी वाले भैया, मैं क्या करूँ। डेड सी डी हेलो डाई बेचारा थक गया, थका नहीं हुआ यार, मैं तकलीफ में हूँ इसलिए बोल नहीं पा रहा। JD मैं ऊंचा बोल ही नहीं सकता, डेट्स वाई मेरा वो होता है मुंह में सर्जरी हुई है थोड़ी सी, अभी मजीद होनी है। जस्ट अ ब्राउन पोटैटो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो क्या चल ठीक है, वेलकम ऑन द स्ट्रीम। एंड सीनिक सोपी हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द स्ट्रीम। स्कॉर्पियो जॉर्ड हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द स्ट्रीम। बटे अब्दुल्ला बोलो, थोड़ी सेचुएशन कम कर दो। यस सेचुएशन का इशू नहीं, ये इस मैप का इशू है, बहुत पिंकी पिंकी मैप था। ओके बॉयज मुझे रिजल्ट शो हो गए हैं, फिर फोर्थ पोजीशन हासिल किया टीम MFS ने, फिफ्थ पोजीशन हासिल किया टीम RE ने, सिक्स हासिल किया MES ने, सेवन हासिल किया फिर टीम MFS ने अगेन, एट पोजीशन हासिल किया टीम PS ने, नाइन्थ रैक्स ने किया, टेंथ पोजीशन हासिल किया PS ने, इलेवंथ पोजीशन हासिल किया फिर टीम एक ही टीम है और ये ना तो सुनने था, ट्वेल्थ पोजीशन हासिल किया टीम MFS ने, 13 पोजीशन हासिल किया NXT ने, 14 थंडर ने, 15 RE ने, 16 MES ने, 17 SCW ने, 18 R2H ने एंड 19 IDOTNO। Okay, let's get ready for the next match. YouTube stream pyara, thank you very much for joining. Don't forget to like and subscribe. This tournament is sponsored by RG's Live. Unke channel ka link aapko description se mil jayega. Go check him out and make sure to subscribe him. Anyways, hamare PMSL ke semifinal group B day 1 ka second match ka ID pass aane wala hai. So let's get ready for it. Oh, okay. SCW सलमान जॉर्ड मेरी जान स्टीम का कलर तो ठीक करो, क्या बनाया हुआ है यार ये मैप, वो पिंकी पिंकी से मैं क्या करूँ। खैर बाकी मैप्स ठीक होंगे। यार मुझे भी खेलना है PMSL, आप तो गेम ही छोड़ चुके हो, आप कैसे खेलोगे। नहीं पटेल तुमने तो बोला था ब्रेक फ्रॉम कॉम्पी, नहीं ब्रेक फ्रॉम पबजी, लीविंग पबजी नहीं लीविंग गेमिंग कम्युनिटी, याद है याद है। अब भूल जाओ पबजी को, टाटा बाय बाय। अल्लाह खैर करे कृष्णा, बाकी खैर है। कृष्णा 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 नहीं हुआ भाई, बच गए। सीनिक्स ब्रो टूटे हुए आलू, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेस करनी पड़ेगी। टूटे हुए आलू। हंसाओ ने यार, डर तो थी मुँह में, शर्म करो यार, हंसाते हो मुझे। इतना कंट्रोल करके मैं बोल रहा हूँ, दांत निकलाते तुम लोग मेरे से।
इसका मतलब ये थोड़ी है कि गेम में चीट कर दूँ। वाह क्या बात है। ओके बॉयज, हमारे यहाँ आज का सेकंड मैच हो चुका है स्टार्ट। दिस इज पी एम एस एल सेमीफाइनल ग्रुप डी डे वन सेकंड मैच। भूल गया था भाई, अपने डायलॉग भूल गया था मैं। एनी वे सेट ऑफ द सेकंड मैच की जाने वही गॉट सेवेंटी टू प्लेयर्स अलाइव एंड 18 टीम्स ऑल वे पे। बात करते हैं प्लेयर्स की, किस किस टीम ने पार्टिसिपेट किया। मुझे था टीम 4 में पी एस ऑफिसर का फुल लाइनअप है, टीम 6 में आरी का फुल लाइनअप है, टीम 18 में पी एस का एक और लाइनअप है, टीम 9 में एमफेस का फुल लाइनअप है, टीम 10 में आरी का फुल लाइनअप है, टीम 11 में हिंडो का फुल लाइनअप है, टीम 14 में नेक्स्ट का फुल लाइनअप है, टीन ऑफ 15 में आर एक्स का फुल लाइनअप है, टीन ऑफ 6 में एस टी डब्ल्यू का फुल लाइनअप है, टीन नंबर 17 में आठ एच का फुल लाइनअप है, टीन नंबर 18 में भाई कौन सा लाइनअप है कोई दस दो मिनू, टीन नंबर 19 में एम एफ एस का फुल लाइनअप है, टीन 20 अच्छा पूछ के यार कौन सा लाइनअप है, टीन 20 में यहाँ पे एम ई एस का फुल लाइनअप है, टीन 21 में एम एफ एस का फुल लाइनअप है, टीन 22 में अगेन यहाँ पे एम ई एस का लाइनअप है, टीन 23 में एम ई एस ऑफिशियल का लाइनअप है, टीन 24 में यहाँ पे डी 7 का फुल लाइनअप है एंड टीन 25 में यहाँ पे सायो का फुल लाइनअप मौजूद है। लेट्स सी हमें पे क्लैशेस कॉन्फ्रेंस स्क्वाड के बीच में देखने को मिल सकते हैं, दो स्क्वाड मुझे काफ़ी क्लोज लैंड होते नजर आ रहे हैं, देखते हैं हमें इनके बीच में क्लैश देखने को मिलेगा। ओके बॉस, यहाँ पे टीम 15 वर्सेस टी डब है 9 देखने को मिलेगा। अब 3v3 सिचुएशन मुझे देखने मिले, बिकॉज मेरे इस वक्त तीन ही प्लेयर नजर आ रहे हैं दोनों स्क्वाड्स के, चौथे प्लेयर्स की तरह इनके। ओके बॉस, एम एफ एस के काशी वाइट यहाँ पे अप हिल पे हो चुके हैं लैंड, अपनी टीम को कवर या स्पॉटिंग करने में हेल्प करेंगे। लेट्स सी टीम 15 यहाँ पे टीम एम एफ एस के प्लेयर्स को डाउन दे पाएगी या नहीं। काशी ने काफ़ी अच्छी पोजीशन पकड़ी, यहाँ पे इजी स्पॉटिंग की जा सकती है अपनी टीम के लिए, लोकेशंस दी जा सकती हैं टीम 15 की, टीम 9 को। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करेगा, जबकि टीम 15 के साथ 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, इनके पास चौथा प्लेयर भी मौजूद नहीं है। आके बाद क्रिस्टल का 72 प्लेयर्स लाइफ एंड 18 डी सब यहाँ पे एम एफ एस के नेम की जानब से नॉक कर पड़ चुके। चलते हैं बात करें नॉक की, लेट्स यहाँ पे कहाँ पे हमें फाइट्स देखने मिल सकते हैं। चलते हैं टीम नंबर 24 की जाना, मुझे यहाँ पर डी 7 के 4 प्लेयर्स लाइफ इनके सामने, टीम नंबर 11 के 3 प्लेयर्स लाइफ है, लेकिन इनकी फाइट तो नहीं हो रही, मुझे लगा इनकी फाइट हो रही है। इसी लेट्स कहाँ पे नॉक हुआ, कहाँ पे नॉक हुआ, कहाँ पे नॉक हुआ, मिल रहा नहीं मिल रहा, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। वही एन एक्स अभी पैराशूट में है तो ये कौन सी लैंडिंग हो रही है। एनी वेज, यहाँ पे एस टी डब्ल्यू के बंदे को फिर से एक बार पड़ा है नॉक और इनकी फाइट कितने हो रही है। ओके मिल गया लेकिन ये तो बहुत दूर है। ये गाड़ी चल रही है या घसीटियाँ मारी है यहीं खड़ी होके, ओ गायब होगी और मैंने तो लेके जाओ फिर होगी। एनीवेज, इन दोनों की टीम पीछे तो फाइट हमें देखने को नहीं मिली। चलते हैं टीम डी 7 की बात करते हैं, जिसके सामने टीम नंबर 11 के 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, टीम आर एक्स के अभी तक 3 प्लेयर्स लाइफ, इनके सामने टीम एम एफ एस का फुल लाइनअप मौजूद है, इनका एक इनका चौथा बंदा तो है वैसे, किधर है लेकिन ये टिक कामी भाई वेयर आ गई है, चाहिए तो इधर ही है। ओके आर एक्स एक और बंदा, चारों प्लेयर्स मौजूद है यहाँ पे, लेकिन लड़का आर एक्स चल रहा थोड़ा सा दूर अपनी टीम के, लेट्स सी रेक्स चल रहा यहाँ पे क्या करना बस अंजाम देंगे अपनी टीम की जाने बढ़ते हुए। जब सब मर जाएंगे ये लैंड होंगे ये चिकन करेंगे। नाइस, कुत आई दिया।
ओके चलते हैं। अभी टीम आर एक सी जा रहे हैं, सामने टीम एमएफएस का फुल स्क्वाड बोल रहा है। कोई भी स्क्वाड अभी तक किसी भी पुश नहीं हमें देखने को मिला। टीम आर एक सी थ्री पे सर्वाइव कर रहे हैं, टीम नंबर नाइन के चारों प्लेयर्स अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। देखते हैं अभी कौन सी टीम किस पे सबसे पहले अटैक करेगी। चलते हैं अभी बात करते हैं पुश या हैसियंडा की। यहाँ पर मौजूद है टी सेवन का फुल लाइनअप इन फ्रंट ऑफ टीम नंबर इलेवन। टीम नंबर इलेवन के थ्री प्लेयर्स लाइफ हमें यहाँ पर थ्री वी फोर सिचुएशन देखने मिल सकती है। अगेन दोनों स्क्वाड्स के बीच में देखते हैं यहाँ पर कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करने की ट्राई करेगा। भाई थंडर वालों ने अपनी टीम नंबर सेवन की कसम तोड़ के टीम नंबर इलेवन को इस पर चूज किया है। मैं भी को ठंडे वाले यहाँ टीम इलेवन में कैसे आ गए। टीम नंबर सेवन में लगता है आज के बैठे ही नहीं है, नाराज होंगे लगता है मेरी बात सुन के। ओके बस टीम एम एफ एस यहाँ पे काफ़ी क्लोज रोटेशन दे रही है, टीम पी एस के काफ़ी क्लोज है। इसके अलावा हमें फाइट सीन टीम एनएक्सी और टीम आर ई के बीच में भी देखने मिल सकती है। लड़कियाँ पे ब्रिज को होल्ड कर सकते हैं, रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं टीम एनएक्सी का। लेट्स सी हमें यहाँ पे कैसे चीज़ें देखने वाली कि क्या टीम आ रही टीम एनएक्सी को फिनिश दे पाएगी। वो सिल्का 71 प्लेयर्स अलाइव एंड 18 टीम्स अवेलेबल। देखते हैं हमें यहाँ पे कैसे चीज़ें देखने मिलेगी। अभी तक फर्स्ट फाइट से हमें किसी भी स्क्वाड के बीच में देखने को नहीं मिला, कोई भी स्क्वाड अभी तक फुल एलिमिनेट नहीं हुआ है। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं। एस डब्ल्यू का वायरस वाइटी यहाँ फुल एलिमिनेट हुआ है, इसके अलावा कोई भी प्लेयर अभी तक डाउन नहीं हुआ है। हैरत वाली बात है, पहला जोन शुरू होने वाला है अभी तक कोई भी प्लेयर डाउन नहीं हुआ है। ऐसा बहुत कम मैचेस में देखने मिलता है, मोस्टली स्टार्टिंग में एक दो तो स्कॉर तो फिनिश अप हो ही जाते हैं, लेकिन अभी तक सारे के सारे स्कॉर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, कोई भी किसी पर अटैक नहीं कर रहा है। देखते हैं कौन सा स्कॉर सबसे पहले किसको एलिमिनेट करने की ट्राई करेगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये टीम ऑफ 15 का यहाँ पे इख्तिताम होने वाला है। देखते हैं अभी टीम ऑफ 15 मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगी। नहीं टाइटन भाई आप नीचे सीने से भी जा सकते थे, बांध वाली हरकतें करना लाजमी थी। अच्छा सॉरी मजाक करना, मजाक गुस्सा नहीं करना। भाई काशु फुल एम लेके बैठा हुआ है, टीम 15 की सारी लोकेशन दे रहा है अपनी टीम को। यहाँ पे एमएफएस के किलर को नॉक पड़ चुका है। टीम नंबर 15 की जानब से एक फाइनली यहाँ पे अटैक शुरू हो चुका है। एक बार फिर से बंदे को नॉक करा टीम नंबर 9 के। टीम 9 के प्लेयर को इजीली रिवाइव दिया जाएगा। टीम नंबर 9 के स्टिल चार प्लेयर्स अलाइव है, लेकिन अभी तक कोई भी प्लेयर फुल एलिमिनेट नहीं हुआ है। ओके भाई आर एक्स के जल्लाद का भी स्पॉट कर लिया गया है एमएफएस के काशु की जान से, लेकिन जल्लाद को भी आई थिंक आइडिया हो चुका है कि काशु सामने बैठा हुआ था। यहाँ पे दोनों प्लेयर स्पॉट हो चुके हैं, दोनों प्लेयर्स चांस अपनी अपनी टीम को कॉल मिल चुकी होगी। लेट्स सी यहाँ पे काशु और जल्लाद में से कौन सा प्लेयर किसको डाउन करेगा। हंसता नहीं हूँ मैं। ओके एनीवेज यहाँ पे टीम सैरो की जानव से भी हमें अटैक देखने को मिला है। लेट्स से भी कौन सी टीम किसको फिनिश करती है। चलते हैं यहाँ पे टीम सैरो की बात करें, टीम 34-5 में यहाँ पे सैरो के चारों पे लाइफ है। काफ़ी लोग इनके एक शॉट मिली थी, टीम नंबर 18 की पक्षी पंगी पर अटैक करते हुए एक बंदे को डाउन कर दी। एफ पंगी को भी डाउन करेगी टीम 18 का एक और प्लेयर फाइव है। लेट्स सी दानियाल टिकेट यहाँ पे टीम नंबर 18 के एक और प्लेयर को फिनिश ऑफ दे पाएगा, नहीं चुके हैं आर्टवर्स की फ्यूरी अटैक करते हुए। वन वन सेक्टर यहाँ पे दानियाल टिकेट उसको भी फिनिश ऑफ करते हुए। भाई क्या खाते क्या तुम लोग, तुम उसकी गोलियाँ लगी नहीं तुम्हारी लगी जा रही हैं, ये क्या मजाक है। यहाँ पे टीम 25 के चारों प्लेयर्स वायलन गुड सर्वे करते हुए बहुत ही प्यारा गेम प्ले के साथ एक टीम को यहाँ पे फुल फिनिश ऑफ मिल चुका है। एट 18 पोजीशन अननोन टीम हमारी जिसका नाम मुझे नहीं मालूम वो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुकी है। अच्छा ये पता चला ये कौन सी टीम है। एक बंदा एफसी का, एक आर्टवर्स का, एक C90 का, एक कैप्टन है। व्हाट इज दिस बिहेवियर, टीम कौन सी है तो बताओ मुझे। मैं बता रहा हूँ टाइटन कुछ ना खा के आया, इससे वांदर वाली हरकतें आई हुई इसके अंदर। ये कल्चर है टाइटन में, तुम करना क्या चाहते हो। इधर से उधर जम मार है, इधर से उधर जम मार। इसको किसी ने बंदर का कोच खिला दिया लगता है।
ओके बॉयज ने भी थंडर की जानब से D7 के बंदे को पड़ा है डाउन। फाइनली हमें एक और जगह फाइट सीन देखने को मिल रहा है। टीम ने भी 11 की जान से अटैक किया गया T7 के ऊपर, लेकिन सभी टीम्स अभी तक अपने फॉर्म में मौजूद हैं। किसी भी टीम की जान से क्लोज इन देखने को नहीं मिला। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम किसको एलिमिनेट करेगी। थंडर का एक बंदा हाइट को होल्ड करके यहाँ पे फिनिश अप करने की ट्राई करेगा टीम D7 को। काफ़ी अच्छी पोजीशन मौजूद है टीम नंबर 11 के पास। लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। यार टाइटन को समझाओ यार, ऐसा हंसा रहा है मुझे, इसे बताओ मुझे हंसते हुए दर्द होता है मुँह में। अरे यार एनीवेज यहाँ पे फिर से अटैक देखने मिला MFS की जान से। टीम RX के बंदे को बच गए डाउन है। RX से जल्लाद जो कि अपनी टीम से काफ़ी दूर थे यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। RX जल्लाद का फिर रिवाइव मिलना भी काफ़ी मुश्किल होगा। IV के CMX जो कि खेल आई थिंक MES के साथ बच चुके डाउन टीम MFS की जान से। टीम MES वर्सेस देखने मिलेगी जल्दी टीम 19 की बात करें। टीम 19 के चार रुपये जो लाइव है सामने की टीम MES का लाइनअप मौजूद है। MES ऑफिशियल का लाइनअप मौजूद है, देखते हैं यहाँ पर कौन सा स्क्वाड किसको एलिमेंट करेगा, किसके ऊपर पुशिंग करने की ट्राई करेगा। उसी का 6 लाइव एंड 17 टीम्स अवेलेबल। लेट्स सी यहाँ पे कैसी सिचुएशन देखने मिलती है। अभी तक यहाँ पे RX चल रहा है, लड़का आ रहा है रेक्स का रेयान यहाँ पे आते हुए क्लोजिंग करते हुए जल्लाद को रिवाइव करने की ट्राई करेगी। जबकि बैक्स और सैम्पल्स काश आ चुके हैं देर को फिनिश करने के लिए। वन यू सिचुएशन हम यहाँ पे देखने मिल सकते हैं दोनों प्लेयर्स के बीच में। लेट्स सी काशुप यहाँ पे RX से रेयान स्पॉट कर पाएंगे या नहीं। काशी पूरी कोशिश करें यहाँ पे बंदे को फिनिश अप करने की। अभी तक काशी को आइडिया नहीं है कि उसको रिवाइव करने के लिए एक बंदा आ चुका है। लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने मिलती है। ओके भाई हीलिंग हो चुकी है, रिवाइव भी हो चुके हैं। गाड़ी देख कर फॉल बैक कर चुका है। RX जल्लाद सामने बैठा हुआ है, रेक्स जल्लाद बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि भाई MFS के काशू सामने आ चुके हैं। रेक्स के रेयान यहाँ पे एक बार फिर से कवर प्रोवाइड करने ट्राई करेंगे। बहुत ही बड़ा डैमेज देगा MFS काशू की जानब से। लेट्स सी यहाँ पे काशू दोनों प्लेयर्स को फिनिश ऑफ दे पाएगा या नहीं। ओके बॉयज यहाँ पे टीम नंबर टीम MFS के बंदे को फुल फिनिश आ चुका है। RX के टाइटन की जान से रेयान के एक बार फिर से पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज लड़का करते हैं यहाँ पे 20% HP के साथ सर्वाइव। लेट्स सी रेयान यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को फिनिश आप दे पाएगा नहीं। D7 हिटमैन की जान से क्लोजिंग किया जा रहा है यहाँ पे RX के रेयान के ऊपर। रेक्स से जलाल यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं, काशू के सामने फिनिश अप हो जाएंगे। मे बी लड़का यहाँ पे स्पॉटिंग करने की ट्राई कर रहा है, बताने की ट्राई करेगी यहाँ पे कितने प्लेयर्स है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे MFS के काशू के लिए सर्वाइव करें। D7 हिटमैन की जान से क्लोजिंग किया जा रहा है टीम 15 के प्लेयर के ऊपर। देखते हैं कौन सा प्लेयर किसको डाउन दे पाएगा। ओके बॉयज यहाँ पे D7 के हिटमैन को काफ़ी बड़ा है डैमेज RX से रेयान की जान से, जबकि टीम नंबर 15 के प्लेयर को बैक साइड से कवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर D7 के हिटमैन यहाँ पे पुशिंग करते हैं तो बैक साइड से काफ़ी अच्छा कवर प्रोवाइड किया जा सकता है टीम नंबर 15 को। देखते हैं कौन सा स्क्वाड किसको फिनिश अप करेगा। टीम MFS के दो प्लेयर्स को यहाँ पे फिनिश अप करा देगा टीम RX की जानब से। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। दिस इज द फाइनल बैटल बिटवीन टू स्क्वाड। यहाँ पे 2v3 सिचुएशन आ चुकी है। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा प्लेयर किसको फिनिश अप दे पाएंगे। आर्टोच बटालियन उस टीम का नाम। ओके एनीवेज यहाँ पे VS वाइपर की जान से थंडर के बंदे को पड़ा है डाउन। एक और जगह में फाइट सीन देखने में चलते हैं। अभी बात करें टीम नंबर 20 की, टीम 20 का IV यहाँ पे मैक्स सॉरी IV का सेम यहाँ पे डाउन पड़ा हुआ है। टीम MES ऑफिशियल के अभी तक 3 प्लेयर्स लाइव है, जबकि सामने MFS के प्रिंस पार्टी डाउन पड़े हैं। MFS के मोटर वाइट अभी तक लाइव है, MFS के शेर खान और स्ट्राइक अभी तक लाइव है। लेट्स सी कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करवाएगा, जबकि बैक से टीम नंबर 6 पे आ चुके। देखते हैं हमें भी कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेजेंड कोरी हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक है, वेलकम ऑन स्ट्रीम। यहाँ पे MFS से माफिया की जान से डाउन का पड़ चुका है। MFS स्ट्राइक को शेर खान वाने फीसा करते हुए सर्वाइव। MFS को मोटर अटैक करते हुए डाउन करने बंदे को डाउन करने की अटैक करते हुए, लेकिन यहाँ पे अभी तक मजीद डैमेज नहीं दे पाए। MES वर्सेज MFS कौन किसको फिनिश करेगा। लेट्स सी नाउ यहाँ पे MFS के शेर खान की जान से MES के माफिया को डाउन पड़ चुका है। टीम MES का शेरी वाइटी अभी तक लाइव है। MFS बस से यहाँ पे मोल्टोप काफ़ी प्यारी होगी, ये मुर्शिद वाइटी अभी डाउन हो सकते हैं। मोल्टोप से यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। मुर्शिद डाउन होते हुए लड़का कैसे डाउन हुआ है। ओके वही MFS की मोड MFS मोटल वाइटी की मोल्टो यहाँ पे काम आई है। डाउन हो चुके हैं टीम 20 के MES के मुर्शिद वाइटी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। पीछे MES के सिल वन पे लाइव है, जो कि है शेर एक्स वाइटी। लेट्स सी शेर एक्स वाइटी यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा।
ओपी भाई यहाँ पे टीम एमएफएस की जानब से टीम एमएस के दूसरे लाइनअप को फुल फिनिश अप करा दिया। वाटा किंग 40 एमएफएस लड़कों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे फुल स्क्वाड को फिनिश अप करा दिया। उसी का 51 प्लेयर्स और लाइफ इन 14 टीम्स अवेलेबल, यहाँ पे टीम आ रही है टीम से की क्लोथ मौजूद है। टीम एमएफएस का लाइनअप की टीम एमएफएस की बात करें तो आई थिंक चारों प्लेयर्स अभी तक वैलेंट गुड लाइव है, टीम सिक्स के चार प्लेयर्स अभी तक लाइव है। 44 सिचुएशन में बात करते हैं मजीद पार्सिंग की, अभी तक पहला जोन भी फुल क्लोज नहीं हुआ और यहाँ पे चार स्क्वाड ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम एमएफएस की जानब से एक और जगह टीम एमएफएस और टीम एमसेंटीन की फाइट सीन देखने में से टीम आर्टवेज वर्सेज एमएफएस देखने मिल सकते। चलते हैं टीम सेवेंटीन की बात करते हैं, टीम सेवेंटीन के दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं, पहले को पिंच अप हो चुके हैं। टीम आर्टवेज के वन शॉट तक लाइव है और इसके अलावा यहाँ पर टीम आर्टवेज के इनसेन भी अभी तक लाइव है। 2v4 सिचुएशन देखने मिल सकती है टीम आर्टवेज और टीम एमएफएस के बीच में, लेट्स सी यहां पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। वालेकुमसलाम, मैं ठीक हूँ, बस टाइम मेरा पीसी आने दो, फिर देखना मैं अभी आता हूँ। तुमने कहाँ आना है पहले ये बताओ मुझे। यार गौरी ये तुम्हारे ख्वाब है ना, यहाँ ये ख्वाब बहुत सारे लोगों के हैं। मेरा पीसी ठीक होने तो मेरा पीसी ठीक, मेरा अपना भी यही कुछ ऐसे ही कुछ ख्वाब है लेकिन ये पूरे नहीं हो रहे हैं, क्या करें। एक किडनी भेज दो, मैं कहता हूँ तुम भी खुश होगे, मैं भी खुश होऊंगा। था डाय था ओके बस यहाँ पर टीम 10 की जानस अटैक हुआ, इंसेन को डाउन बच गया। हुआ इसका फटने विज लाइफ इन 15 टीम्स अवेलेबल, यहाँ पर टीम 21 की चांस क्लोजिंग हो रहा है। ओपी भाई यहाँ पे 8 टच के वन चौड़ की जान से एमएफएस के एचएसएम को बहुत ही बड़ा नॉक निकाला गया। पैंथर इज इन ओपन, पैंथर बिल्कुल ओपन है, पैंथर को भी डाउन करते हुए 8 टच के वन शॉट लड़के के क्या ही सप्रे लग रहे हैं। रेड सी वन चार्ट पर कितने प्लेयर को डाउन कर पाएगा भाई, उठाता है घुमाता है कन सीधी गोलियां जाकर बंदे को देखते हैं ये कौन सा एम है। ऐसे है मुझे चाहिए, अच्छा सॉरी पी एस के पावर शो की जान से पे एच एस एम को डाउन फिनिश करा दी गई, किल चोरी हो चुका है। टीम नंबर 17 की 8 टच वन शॉट का, लेट्स सी 8 टच वन शॉट यहाँ पे मुझे कितने प्लेयर को डाउन कर पाएगा। किंग वाइटी हेलो असलकुम ब्रो, आपने पबजी छोड़ दिया, मैं नहीं मैंने पबजी तो नहीं छोड़ी, मैं पबजी छोड़ी होती तो मैं सेम यू कर रहा होता। गुड क्वेश्चन, स्किन जा रहा टूर्नामेंट में ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ यार्ड ओके यार्ड। एनीवेज द विसल को फॉर सेम प्लेस द लाइफ इन 14 टीम्स अवेलेबल, लेट्स सी मजीद फाइट्स हम यहां पे कौन-कौन से स्क्वाड के बीच में देखने को मिल सकता है। ओके यहाँ पर टीम एस टी डब्ल्यू पर अटैक किया जा रहा है, टीम एम एस ऑफिशियल की जान से एस टी डब्ल्यू का लास्ट में स्टैंडिंग है माफिया वाइट और उसको भी फिनिश अप करके मैं जिसकी तरफ तो बंदा फिनिश अप हो जाता है। मतलब फाइट सीन मुझे तो देखने का मौका तो दो भाई, थोड़ा सा तो जिंदा रहा करो। एम एस ऑफिशियल की जान से यहाँ पे फिनिश अप करा देगी टीम एस टी डब्ल्यू को, वो इसलिए 42 प्लेयर्स लाइव एंड 13 टीम्स अवेलेबल। लेट्स सी मजीद फाइट सीन हम यहाँ पे कहाँ देखने को मिल सकते, टीम डी 7 टीम नंबर 6 है, इसके अलावा टीम सारे यहाँ पे काफ़ी क्लोज है। तीन स्क्वाड के बीच में हमें फाइट सीन देखने को मिल सकता है, जब आपकी टीम आ रही है यहाँ पे जोन में मूव करने की ट्राई करिए। लेट्स सी रेड्स यहाँ पे किसी टीम पर स्लैम करेगी या नहीं। डाय फुट की कब करोगे लाइव स्ट्रीम यार, अगले साल ना मार्च में हो रही मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जानी है तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं लाइव स्ट्रीम किया करूँगा। एनीवेज वो सर को पूरी मंथ इज लाइफ एंड अगर मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हो गया, बस दुआ करना पास होगी, नहीं तो हालात मेरे कुछ ऐसे में पास भी नहीं होता आसानी से, मर मर के पास होता हूँ। ओके बॉयज़ वसल का 6 प्लेस सॉरी 4 प्लेस टीन ला 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 क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके बॉयज एनीवेज यहाँ पे टीम 15 के 3 प्लेस लाइव है, टीम 6 से 4 प्लेस लाइव है, टीम 25 के मुझे 3 प्लेस लाइव दिख रहे हैं। इसके अलावा इन पर अटैक किया जा रहा है टीम 24 की जानब से जिसके मुझे 3 प्लेस वैलेंट लाइव दिख रहे हैं, जबकि इनका डी 7 है वन पिंच ऑफ हो चुका है। सॉरी टीम सैरो कपर अटैक किया जा रहा है टीम नंबर 24 की जानब से, लेट्स सी सैरो कपर बंदा भाई यहाँ पे बी एस पाइपर की जानब से डाउन पर चुका है टीम 25 बंदे को। टीम सैरो की तरफ टू साइड से अटैक हो रहा है, लेट्स सी टीम सैरो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। सेवरो मेरी अकाउंट हैक हो गया ट्विटर लिंक से 2 मंथ पहले, आपका भी ना भाई ने कमांडो कर लिया था माशाल्लाह वाह वाह, तो है क्यों ऐसे काम तो करते हो गए अकाउंट हैक हो। दुआ है पास हो जाओगे, आमीन आमीन। एनीवेज वो सिल कॉल 40 पेज लाइव एंड 13 टीम्स अवेलेबल। आयशा बस हो रही है, बैटरी लो हो रही है, क्या करूँ मजीद नहीं मुंह हिल रहा मेरे से, चलो बर्दाश्त करते हैं।
यू नो आई एम को लीडर ऑफ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तरक्कियां तरक्कियां माशाल्लाह। मेरा भी हैक हो गया, बस जैसी करनी रोमियो वैसी बढ़नी। आप लोगों के अकाउंट हैक करो, लोग आपके अकाउंट हैक करेंगे। एनीवेज, अब रेक्स के टाइटन की जान से आ रही कि अफान को पड़ चुका है डाउन। चलते हैं भाई टीम रेक्स की बात करते हैं। लड़के यहाँ पे हमें टीम रेक्स जान से एक बार फिर से पार्ट से देखने मिलेगा। 3 किल के साथ यहाँ पे टीम रेक्स मौजूद है। आर एक से चल रहा है यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे, जबकि रेक्स के स्टिल 3 पे लाइफ है। सामने इनकी टीम एमपीएस का एक बंदा अभी भी अलाइव है। लेट्स सी यहाँ पे कोस्ट टीम किसको पीछे को देखते हैं। टेन को स्पॉट किया जा रहा है, आर के बंदे को डाउन पड़ा है। टीम रेक्स जहाँ से उसे का 40 पे लाइफ है। टीम टीम अवेलेबल, देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने मिलेगी। जोन इज टू शिंक राइट आफ्टर सनसेट ने। इस बार यहाँ पे टीम बी 7 को जोन में मूव करना पड़ेगा। टीम ठंडे को जोन में मूव करना पड़ेगा, जबकि टीम सैडो को भी यहाँ पे जोन में मूव करना पड़ेगा। लेट्स सी कौन सी टीम किसको एलिमिनेट कर पाती है। बोथ पर यहाँ पे अटैक किया गया एलटीजी के विजर्ड, यहाँ पे गाड़ी ब्लास्ट करके डाउन करेगा, जबकि यहाँ पे रेक्स टाइटन को बैक साइड से डाउन पड़ चुका टीम सैरो की जानब से। लेट्स सी रेक्स टाइटन सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। जी फारी खेल लो लो लो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्या ये स्पीकर बड़ा हुआ है? अरे तो जोड़ी है, मेरा स्पीकर है। एनीवेज, एक बार फिर से जोन श्रिंक हो चुकी है जस्ट विद लॉस लियोन्स के ऊपर पूरा जोन बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी टीमें इजीली सक्सेसफुली लॉस लियोन्स में कंपाउंड को होल्ड कर सकते हैं। एमएफएस के टॉक्सिफाई वाइटी की जान चलेंगे। लड़के यहाँ पे काफ़ी स्क्वाड के बीच में लेट के सर्वाइव कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे एमएफएस पर टॉक्सिफाई वाइटी मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज इस पर लड़का हर तरफ से घिरा हुआ है। देखते हैं हमें कैसे सिचुएशन देखने मिलेगी। सैरो की जान से क्लोजिंग हो चुका है। टीम आरएक्स के ऊपर, आरएक्स के यूट्यूब काम यहाँ पे तक लाइव है। देखते हैं यूट्यूब काम यहाँ पे कितने बंदों को डाउन दे पाएंगे। ओके भाई, रिवाइव दिया भी जा चुका है, लेकिन यूट्यूब काम यहाँ पे मोलीटॉप से होते हुए डाउन फ्रॉम बैक साइड टीम नंबर 10 की जान से। यूट्यूब काम को फुल फिनिश पड़ चुका है। उसको 35 पे लाइफ एंड 12 टीम्स अवेलेबल। बट अ गेम प्ले फ्रॉम टीम नंबर 10 या टीम 10 सारा का सारा सर्च फॉर में स्टार्टिंग फॉर सर्च करते हुए सर्वाइव। और हेल्थ की बात यह कि एमएफएस टॉक्सिफाई वाइटी अभी तक जिंदा है भाई। ये बंदा लेटा हुआ है यहाँ पे 4 स्क्वाड के बीच में लेटा हुआ है, 1 घंटे से कोई इसे देख नहीं पा रहा है, कोई इसे मार नहीं पा रहा है। ये क्या सीन है? ओके, इसकी बैक साइड पर रीच है, इसके फ्रंट पे भी रीच था, और बहुत ही लाइक काम रिजेक्ट। अगर टीन एफ टेन ने इसे स्पॉट कर लिया, ही कैन डाई इजीली। लेट्स सी एमएफएस टॉक्सी वाइटी में मजीद कितना सर्वाइव कर। उस सुल्तान अभी तक जिंदा है, ये भी जिंदा है अभी तक, किधर रही है? लो भाई, अच्छा इसकी टीम, अच्छा वो पुराना मैच था शायद, इस मैच की पूरी टीम मौजूद है। एनीवेज, यहाँ पे टीम नंबर 14 के 4 पे लाइफ पे अकेला पुशिंग करते हुए गाड़ी लेकर टीम नंबर 19 के ऊपर। यहाँ पे एनएक्सजी उसे टीम नंबर 19 देखने मिलेगा, उस टीम किसको पिकअप करेगी? अटैक की जाए यहाँ पर टीम 19 के तौर पर को डाउन पर जाकर टीम नंबर 19 को यहाँ पे फुल फिनिश अप करा देगी टीम एनएक्सजी की जानब से। वो इसका 31 पे लाइफ एंड 11 टीम्स अवेलेबल। लेट्स सी मजीद फैसला हमें यहाँ पे कौन कौन सी टीम के बीच में देखने मिलेगा। टीम सैरो वैसे टीम D7 हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। टीम हमें फैसला टॉक्सिक बैटरी को यहाँ पे जोन में मूव इन करना पड़ेगा। लेट्स सी टॉक्सिक बैटरी यहाँ पे जोन में मूव इन कर पाएंगे या नहीं। इसकी गाड़ी फटी तो नहीं हुई? नहीं भाई, सही है। ओके भाई, यहाँ पे टीम नंबर 25 के दानियाल टिकेट को डाउन बच गया। टीम सारे का स्टिल 1 पे लाइफ है। टीम 24 वैसे टीम सारे हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। लेट्स सी सारे अपने प्लेयर को रिवाइव दे पाएगी या नहीं। यहाँ पे इसके अलावा टीम नंबर 24 के 3 प्लेयर्स मुझे लाइव देख रहे हैं। टीम 23 के 4 प्लेयर्स लाइव है। टीम 62 प्लेयर्स लाइव है, और हायर ग्राउंड को अभी तक किसी ने भी होल्ड नहीं किया हुआ है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने मिलती है, कौन सी टीम इस सम का चिकन अपने नाम करेगी। था जोन इज गोइंग टू शिंक वाइट आफ्टर 1 मिनट एंड 40 सेकेंड। लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। ओके, वो इस यहाँ पर टीम 25 के प्लेयर को मिल चुका है रिवाइव ग्रेनेड होकर के पिकअप करने की ट्राई किया। ये काफ़ी प्यारा ग्रेनेड तो किया गया था यहाँ पे। साइरो, क्या नाम है इसका, थोड़ा
प्रोग्राम है कैसा थ्रो की जान से, लेकिन यहाँ पे कोई मेरा टॉन नहीं होगा। D7 के अब्बास यहाँ पे टॉन किया, D7 के स्पीड पे ज़्यादा VS5 पर यहाँ पे अप भाई हायर ग्राउंड लेके पिकअप करनी ट्राई करें। बहुत ही प्यारी मल्टो थ्रो की सायरो के थ्रो यहाँ पे ऑन एच पी के साथ करते हुए सर्वाइव। लेट्स सी टीम D7 यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव करवाएगी। बहुत ही प्यारा यहाँ पे स्मोक दिया गया है, सायरो थ्रो यहाँ पे फॉल बैक करने की ट्राई करेंगे। लेट्स सी कंसेप्शन पिन देता है नल टिकेट के ऊपर, फिर से नॉक मिल जाएगा, स्मोक फेंका भी गया था लेकिन स्टिल द नल टिकेट सर्वाइव नहीं कर पाए। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम किसको फिंचर करती है। 1024 के स्टिल 3 विद लाइफ 1025 के 1 पे लाइफ है, 1-3 सिचुएशन आ चुकी है फाइनली टीम सायरो के ऊपर। लेट्स सी सायरो थ्रो यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा। एक गेम या सेकंड में आता है, एक मतलब ओके बस उसी को 26 पे लाइफ एंड 10 टीम्स अवेलेबल। लेट्स टेक अ कैमरा व्यू बूस्ट, यहाँ पे अभी तक 10 टीमें अभी तक पर 10 टीमें तक लाइव है, मैक्सिमम कब ठीक है 10 की टीमें। एनीवेज 1824 टीम ऑफ 4 के बीच में फाइट सीन देखने में सेट, टीम 4 के 2 प्लेयर्स काफी क्लोज है, टीम 24 के 2v2 सिचुएशन है दोनों स्पॉट के बीच में। देखते हैं कौन सा स्पॉट किसको एलिमिनेट करता है। भाई सॉरी, वेरी सॉरी अगर मैं सही से कास्टिंग नहीं कर पा रहा हूं, यू नो द रीजन, बीमार बंदा हूं यार, मुझे पता है मैं सही से नहीं कर रहा, क्या कर सकता हूं, बस गुजारा करो गुजारा करो। एनीवेज फिल्कर 23 विज 11 9 टीम्स अवेलेबल। एनएक्सी किंग की जान से यहाँ पे आरी के आदिल ओपी को पर्च के टाउन, टीम ऑफ 8 के 4 पे लाइफ है, टीम 23 के 4 पे लाइफ है, टीम ऑफ 11 का थंडर वुल्फ इज ऑनली मैं स्टैंडिंग, जबकि टीम 14 का डेड सुल्तान यहाँ पे काफी लोज आ चुका है, जोन कोल्ड करने की ट्राई की जैसे डेड सुल्तान के यहाँ से थंडर वुल्फ को फिनिश अप देने की ट्राई की जा रही है। लेट्स सी यहाँ पे डेड सुल्तान थंडर वुल्फ को फिनिश अप दे पाएगा या नहीं। सब कोहली रवान के एक मैच में वर हूँ भाई, बहुत ही प्यारा गिनने थ्रो किया गया था यहाँ पे ठंडर वुल्फ की जानब से, डेड सुल्तान को काफ़ी डैमेज पड़ा है और ठंडर वुल्फ मौके का फायदा उठा के अभी गाड़ी लेके निकल चुके हैं, हरका जोन में मून कर चुके हैं, डेड सुल्तान को भी जोन में मून करना पड़ेगा, टीम 23 की जानब मून करना पड़ेगा। लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने मिलती है, सामने टीम नंबर 11 का ठंडर वुल्फ काफ़ी अच्छे स्पॉट को होल्ड कर चुका है, देखते हैं हमें क्या सिचुएशन देखने मिलती है, कौन सा स्पॉट किसको एलिमिनेट करेगा। वो जिसको सिल्ड का 22 पेज लाइफ है, 9 टीम्स अवेलेबल यहाँ पर, टीम 24 के 2 पेज लाइफ है, टीम 4 के 4 पेज लाइफ है, टीम 8 के ऊपर अटैक किया जा रहा है, टीम 8 ने फिनिश आउट दे दिया 8-1 शॉट को जो कि अपने स्क्वाड का लास्ट में सेंड था। पर PS के दोनों स्क्वाड आमने सामने बिल्कुल क्लोज बैठे हुए हैं, 44 सिचुएशन देखने मिल सकती है दोनों स्क्वाड्स के बीच में। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करेगा। जब साइरो थ्रो की जान से हुआ अटैक पे इस पर बहुत ही मजे के फाइट सीन देखने में सकता है, हमें लॉस लिया उसके अंदर 8 स्क्वाड्स अभी तक लाइव हैं, 19 बंदे टाइनी जोन के अंदर अभी तक लाइव हैं, वो स्टिल गॉट 7 स्क्वाड्स अवेलेबल, टीम नंबर 8 के 4 पे लाइव है, टीम 23 के MES फिशर के 4 पे लाइव है, टीम 24 D7 के 2 पे लाइव है, जबकि टीम 4 PS का एक कोल लाइनअप है उसके भी 4 पे अभी तक लाइव है। टीम PS के इस पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस को इस रोम को विन करने की, बिकॉज कोई ना कोई तो PS का लाइनअप में भी लेके जा सकते हैं। टीम 14 के डेड सुल्तान की बात करें, NXT के डेड सुल्तान अभी तक लाइव है, लेट्स सी सुल्तान NXT को कौन सी पोजीशन तक पहुंचा पाएगा, सामने थंडर वुल्फ के बैठा हुआ है जिससे इसको खतरा है, लेट्स सी थंडर वुल्फ यहाँ पे डेड सुल्तान को पेशाब दे पाएगा या नहीं। बात करें टीम 14 की तो आई थिंक सुल्तान यहाँ पे जोन में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको थंडर वुल्फ की जानब से काफ़ी खतरा है, लेट्स सी थंडर वुल्फ यहाँ पे डेड सुल्तान को पेशाब दे पाएगा या नहीं।
ओके बॉस, यहाँ पे टीम पीएस के बंदे को पड़ा है डाउन एमएफएस के जान से। टीम एमईएस ऑफिशियल्स अभी तक काफ़ी अच्छे स्पॉट को होल्ड करके बैठे हुए लड़कों पास। यहाँ पे जोन भी मौजूद है और यहाँ पे सामने काफ़ी लोगों ने इन आउट ऑफ द जोन जोन में मूव इन करना है। लेट्स सी टीम 23 यहाँ पे टीम पीएस को एलिमिनेट कर पाएगी या नहीं। चलते हैं टीम 8 की बात करें। टीम 8 के चार प्लेयर्स अलाइव है, वॉच करते हुए टीम 24 के बंदे का वेट कर रहे हैं। लड़का कब जोन में मूव होगा हम उसको पिंच अप करेंगे। जितने भी टीम को देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज पीएमएसएल सेमीफाइनल्स ग्रुप बी डे वन सेकेंड मैच। लेट्स सी हमारे इस मैच का चिकन कौन सी टीम अपने नाम करेगी। टीम 24 के अपने जोन में मूव करना पड़ेगा। टीम पीएस के सेकंड लाइनअप के अपने जोन में मूव करना पड़ेगा। पीएस की जानक से यहाँ पे पीएस के जैलम वाइटी को पड़ चुके डाउन। लेट्स टेक अ कैमरा व्यू। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी पीएस सर्वाइव कर पाएगी। आई थिंक पीएस सेकंड लाइनअप को यहाँ पे फुल फिनिश अप पड़ चुका है। यहाँ पे अटैक करते हुए पीएस के जोन वाइटी और साथ ही अटैक करते हुए चोको वाइटी मुझे यहाँ पे डाउन पड़े हुए हैं। जुनेद भाई लड़के ने स्पाइडरमैन जंप किया यहाँ पे टीम पीएस के ऊपर, लेकिन लड़का खुद भी यहाँ पे डाउन हो चुका है। एक बंदा अभी तक बचा हुआ है पीएस का रश जॉर्ड। लेट्स सी रश जॉर्ड अपनी टीम को कौन सी पोजीशन तक पहुंचा पाएगा। टीम नंबर 4 के पीएस को करना पड़ेगा मजीद जोन में मूव, जबकि सामने से डेड सुल्तान अभी तक यहाँ पे जोन में पहले से मौजूद है। टीम नंबर 11 का ठंडा वुल्फ आउट ऑफ द जोन हो चुका है। इसके अलावा टीम 23 एमएस की जानब से भी जोन में मूव किया जाएगा। देखते हैं अब कौन सा शॉट सर्वाइव कर पाएगा। जो टीवी सिंह को देख रहे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वेस्ट रिकॉर्ड 9 पेज लाइव, 4 टीम्स अवेलेबल। टीम 23 के 4 पेज अभी तक लाइव है, टीम 4 के 3 पेज लाइव है एंड टीम 14 का डेड सुल्तान अभी तक लाइव है। दिस इज द फाइनल बैटल बिटवीन 3 स्क्वाड राइट नाउ। 4v3v1 सिचुएशन है अभी दोनों स्क्वाड के बीच में। लेट्स सी यहां पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। द जोन इज गोइंग टू शेंग वाइट ऑफ्टर 24 सेकंड। एक बार फिर से यहाँ पे काफ़ी स्क्वाड को जोन में मूव करना पड़ेगा। इस वक्त डेड सुल्तान के सामने जो टावर है उसका टीम एमएफएस को सॉरी एमएस को काफ़ी अच्छा कवर मिल सकता है। सुल्तान डाउन कर सकते हैं। सुल्तान यहाँ पे डाउन करते हुए एमएफएस नहीं को फिनिश ऑफ करा के किल अपने नाम करेंगे। लेट्स सी सुल्तान यहाँ पे कितने बंदों को मजीद डाउन कर पाएगा। टीम पीएस अभी तक मुझे डेड सुल्तान इज ओनली मैन स्टैंडिंग इन टीम एनएक्सी। एमएफएस नहीं को काफ़ी अच्छा स्मोक करके कवर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन नहीं यहाँ पे बिल्कुल 1% के साथ मौजूद है। लेट्स सी नहीं यहाँ पे रिवाइव हो पाएंगे। नहीं जलमाज यहाँ पे बढ़ चुके हैं एमएफएस नहीं को रिवाइव देने के लिए। टीम एमएस को मजीद थोड़ा सा लेट्स सी इनका जोन है या नहीं है। ओके भाई जोन यहाँ पे टीम पीएस के पास मौजूद नहीं है। डेड सुल्तान के पास जोन मौजूद है। टीम एमएस के पास जोन मौजूद है, जबकि टीम पीएस को जोन में मूव करना पड़ेगा। पीएस के पावर शो की जान से सुल्तान को पिकअप करने की ट्राई की जा रही है। लड़का फंस चुका है। अभी दो स्क्वाड के बीच में काफ़ी सर्वाइव करने की ट्राई की है, लेकिन यहाँ पे लड़का फिनिश अप होते हुए साफ। फाइनली टीम नंबर 4 वर्सेस टीम एमएस आ चुकी है। टीम एमएस यहाँ पे फिनिश अप करा के टीम पीएस को इस रूम का चिकन अपने नाम क्लियर करते हुए एन एक्सलेंट गेम प्ले फ्रॉम टीम एमएस। लड़कों ने काफ़ी देर बहुत अच्छे स्क्वाड को होल्ड करके रखा है और लास्ट में आके स्मोक्स का पूरा फायदा उठा के लड़कों ने जोन में मूव करके टीम पीएस को फिनिश अप करा के उसका चिकन अपने नाम किया। सो अ वेरी गेम वेल गेम प्ले फ्रॉम टीम पीएस। लड़कों जो आउट ऑफ जोन हो चुके थे उनको जोन में मूव इन करना था, उनके पास कवर मौजूद नहीं था। स्टिल दे गॉट सेकंड पोजीशन। यहाँ पे डेड सुल्तान ने एनएक्सटी की टीम को थर्ड पोजिशन तक पहुंचाया। एन एक्सलेंट गेम प्ले फ्रॉम सुल्तान। इसके अलावा फोर्थ पोजिशन से की यहाँ पे टीम थंडर ने, फिफ्थ पोजिशन से की यहाँ पे टीम पीएस ने, सिक्स पोजिशन से की टीम डी सेवन ने, सेवन पर टीम सैरो, एट पर टीम आ रही, नाइन्थ पर टीम आर टोश, टेंथ पर टीम एमएफएस, इलेवन पर टीम आ रही रिया, ट्वेल्थ पर टीम एमएफएस अगेन, थर्टीन पर रेक्स, फोर्टीन पर एसडब्ल्यू, फिफ्टीन पे एमएस, सिक्सटीन पे एमएस अगेन, सेवनटीन पे एमएफएस, एटीन पे है टीम आर टोश बटालियन। एनीवेज दिस वॉज सेकंड मैच ऑफ द डे, गेट लेट्स गेट रेडी फॉर द थर्ड मैच। यूट्यूब की स्ट्रीम को देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज पीएमएसएल सेमीफाइनल्स ग्रुप बी डे वन सेकंड मैच एंड लेट्स सी हमारा थर्ड मैच कब स्टार्ट होगा। जी जी डेट्स, अच्छा डेट्स का लाइनअप नहीं तो एनएक्सटी का लाइनअप था वो। डायरिया पारिक डाय जानू आई एम बैक। जानू कौन है वाले मुझे बताओ। हैं जाओ नाइट वार्ड को बुलाओ जाके, वो तुम्हारी जानू है। नहीं जानू कैसे हो यार, ये बात मेरे से ना पूछा मैं कैसा हूँ। मैंने टीथ एक्सट्रैक्शन करवाई हुई है, अपना एक दांत निकलवाया और कास्टिंग कर रहा हूँ बैठ के। अब खुद सोचो मैं कैसा होऊंगा। परसों निकलवाया शायद या दो दिन तीन दिन पहले, याद नहीं है।
आप हो मेरी जान। देखो भाई, मुझे माफ़ करो, मेरे ये शौक नहीं है। आप जाओ, आप ना रोमियो से बात करो, उसके कुछ ऐसे शौक हैं, वो आपसे गुजारा कर लेगा। डायरेक्ट आप स्पेक्टेट में चले जाओ ना, स्पेक्टेट में नहीं गए। ओके। MSI और बॉट, जो कि तुम वैसे भी बच नहीं सकते थे, बेशक तुम्हारी MSI होती तो। हाँ, तुम उसे फिनिश ऑफ दे सकते थे, वो तुमने नहीं दिया। सुपर चैट ऑफ, सुपर चैट ऑफ है। आई हैव नो आइडिया, मैंने चेक नहीं की सेटिंग वगैरह, मे बी ऑफ हो, आई एम नॉट श्योर। वैसे होनी तो नहीं चाहिए। ओके, हमारा आज का ट्रेड मैच हो चुका है स्टार्ट, लेट्स गेट इनटू इट। एंड ज्वाइन बटन टू। चलो पारिक, मैं आज स्ट्रीम के बाद चेक करूँगा क्या इशू है, मे बी ऑफ हो गई हो। टीम ऑफ सिक्स के बैक साइड एक और टीम लैंड हो चुकी है, दो टीमों का हमें क्लैश देखने मिल रहा है। रोइंग से चलते हैं टीम ऑफ 18 के T7 अब्बासी डाउन दे चुके हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पर टीम सिक्स बंदे को पीछे भागना चाहिए था, लड़का पुश ही नहीं कर देता, शायद बचते हैं चांसेस से। लेट्स सी पीएस के रश कॉर्ड का फिनिश ऑफ करने की ट्राई की जा रही है, लेकिन अभी तक लड़का फिनिश ऑफ हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर पीएस को मुझे रिवाइव दे पाएंगे टीम में, तो यह नहीं। आई डोंट थिंक यहाँ पे क्लोजिंग किया जाए। टीम नंबर 18 के स्टिल 4 प्लेयर्स अलाइव हैं, टीम नंबर 6 यहाँ पे 2 प्लेयर्स ऑन हो चुके हैं, टीम 6 के स्टिल 2 प्लेयर्स अलाइव। चलते हैं बात कर टीम पीएस की। टीम पीएस की आई थिंक 3 में स्टैंडिंग पावर ही थी, तीन ही बंदे थे। हमें मुजिम वाइट इज गोना बी द लास्ट में स्टैंडिंग इन इस टीम, सामने बढ़ते हुए टीम 16 के प्लेयर की जाना। लेट्स सी मुजिम आपकी टीम को कौन सी पोजिशन तक पहुँचा पाएगा।
We still got 6 champions alive and 18 teams available यहाँ पे बढ़ते हुए टी नंबर 16 की चैनल टी 7 के बच्चे नंबर पीएस के चोको वाइट को देती है फिनिश ऑफ उसी का 66 पे लाइव एंड 18 टीम्स अवेलेबल देखते हैं यहाँ पे मजीद क्लैशेस कौन कौन से स्क्वाड के बीच में देखने को मिल सकते हैं आई थिंक यहाँ पे टीम एस सी डब्ल्यू ये दो टीम है ना या दो टीम है एनीवेज यहाँ पे टीम एस सी डब्ल्यू और टीम नंबर 9 के बीच में फाइट सीन देखने को मिला टीम एस सी डब्ल्यू की बात की तो टीम एस डब्ल्यू के 3 प्लेयर्स यहाँ पे वैलिंग गुटर लाइव है टीम नंबर 9 के 4 प्लेयर्स यहाँ पे वैलिंग गुटर लाइव है 3v4 सिचुएशन है दोनों स्क्वाड्स के बीच में देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा भाई माफिया को यहाँ पे डाउन मिल सकता है अगर थोड़ी सी यूट्यूब का भी भैया हिम्मत करें ना आगे जाने की तो ईजीली यहाँ पे रिवाइव नॉक मिल सकता है माफिया को देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे किसको एलिमिनेट करती है माफिया पे अलाइव है एक्शन अभी तक अलाइव है और एस सी डब्ल्यू के साइबर वाई टी भी अभी तक लाइव है टीम रेक्सी जाने से थोड़ा सा क्लोजिंग चेक किया जा रहा है साइबर वाई टी को बट लेट्स सी साइबर वाई टी यहाँ पे कितने प्लेयर्स को डाउन दे पाएंगे ओके भाई यहाँ पे टीम नंबर 9 को आइडिया नहीं है क्योंकि पीछे एक बंदा बैठा हुआ है दिस इज गोना बी हार्ड लेट्स सी इजी किल अरे 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 ये बार यहाँ पे डाउन कर चुके एस सी डब्ल्यू साइबर वाई टी की जाने से टीम नंबर 9 के लेकर दूसरे प्लेयर को भी डाउन करते हुए व्हाट अ गेम प्ले फ्रॉम टीम नंबर 14 यहाँ पे एस सी डब्ल्यू के साइबर वाई टी दो प्लेयर्स को डाउन दे चुके हैं सर्वाइव करने की ट्राई करेंगे उनके बैक साइड पर बंदा मौजूद है लेट्स सी टीम नंबर 14 अपने प्लेयर को डिफेंड कर पाएगी यानी लड़के पास गन मौजूद नहीं थी अब दूसरे प्लेयर के यहाँ से गन दी की है रेक्स के बंदे यहाँ पे डाउन दिखे रेक्स है नारुतो ने यहाँ पे एस सी डब्ल्यू एक्शन को दे दिया है डाउन ओके बॉयज यहाँ पे टीम एस के दो बने डाउन रखे हैं साइबर वाइट इज द ओनली मैं स्टैंड यहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा टीम नंबर 9 की जानब से टीम नंबर 14 के ऊपर देखते हैं उनको स्कॉट किसको एलिमिनेट कर पाएगा वो इसका सिक्स लाइफ अभी तक कोई भी बंदा फुल एलिमिनेट नहीं हुआ सिर्फ टीम एस का एक बंदा फुल एलिमिनेट हुआ है साइबर वाइट यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया है हालांकि कैंसर ही दिया था लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया दूसरे बंदे को नॉक करके टीम नंबर 9 वर्सेस टीम नंबर 14 यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है टीम को टीम नंबर 9 के बंदे को फुल पिंच करा दी गए दूसरे प्लेयर को भी फुल पिंच करा दी गए यूट्यूब का अभी तक लाइव है टेक्स के नारुतो अभी तक लाइव है टीम नंबर 14 का एक्शन अभी तक अलाइव है लेट्स सी एक्शन अपने टीममेट को बचा पाएगा यानी लड़के पास हीलिंग मौजूद नहीं है लड़का बिल्कुल 1 HP है सामने से आ चुकी टीम 9 यहाँ पे अटैक करके टीम एस सी डब्ल्यू को फिनिश करा के टीम नंबर 9 यहाँ पे पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट करते हुए एट 8 पोजीशन उमर अब जब फाइट हो तब ही कहिएगा कि फाइट होगी फिर जो ओके यार मैंने गलती की मुझे ना पेन किलर्स खाने चाहिए थे मुझे डॉक्टर ने बोला भी था पेन किलर खा लो लेकिन वो पेन किलर से मुझे साइड इफेक्ट हो रहा था मुझे सर में दर्द हो रही थी तो मैंने पेन किलर नहीं खाया क्या सर का दर्द बर्दाश्त कर लो सच्चा मैं मुंह का दर्द बर्दाश्त कर लो एनीवेज यहाँ पे टीम डी सेवन की जहाँ से अटैक किया जा रहा है टीम आ रही के वो चलते हैं पे बात करें टीम मेरी टीम की टीम टीम क्या पे एक बंदा टॉन पर डी सेवन के बुचे टॉन पर वाइपर अभी तक लाइव है चेंबर अभी तक लाइव है अब 80 अभी तक लाइव है जबकि इनके सामने टीम नंबर 8 का एल टी जी विजार्ड सामने बैठा हुआ लेट्स सी विजार्ड यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा टी सेवन चैंपियन की जान से यहाँ पे फॉल बैक देखें मेरे सबके सामने टीम नंबर 8 के आर इनफाइनाइट अभी भी स्पॉट करने की ट्राई कर रहे हैं लेट्स सी इनफाइनाइट यहाँ पे टी सेवन चैंपियन को टॉन दे पाएगा नहीं इसके अलावा टीम डी सेवन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है क्योंकि चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव है जबकि टीम नंबर 8 का एक बंदा वो भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर सर्वाइव कर रहे हैं लेट्स सी टीम नंबर 8 यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी यानी
अरे भाई ब्रिज पे चढ़ गए। अरे भाई हैवी यार, एक्सेलेंट वर्क फ्रॉम टीम D7। यहाँ पे लड़कों ने बहुत ही प्यारा अटैक किया है LTG विजार्ड को। भाई लड़के ब्रिज पे चढ़ के मार गए यार, क्या बात है यार, तालियां यार, बहुत हैवी। इस अटैक की उम्मीद मैं नहीं कर रहा था, मतलब सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि लड़का ऊपर से चढ़ के आ जाएगा। एनीवेज हम यहाँ पे एक और जगह फाइट सीन देखने में चलते हैं। टीम 24 के बाद टीम 24 के चारों पे लाइव है सामने बने पड़ा है टाउन। यहाँ पे ठंडे के सोल कर नंबर क्या है, तीन स्क्वाड आपस में फाइट करते हैं। टीम एमएस टीम ठंडे और टीम मारी, जबकि सामने की टीम आटो है मुझे चलते हैं। टीम एमएस मारी की बात करते हैं, एमएस के मारी हो और जलमाज अभी तक लाइव टीम संगत की वजह से लाइव टू थ्री सिक्स एक सिचुएशन देखने में सकते हैं। स्क्वाड के बीच में यहाँ पर एमएस के मारी को डॉन फिशर पड़ी है टीम ठंडे की चांस। टीम आटो के चारों पर अभी तक लाइव ठंडे के अभी तक थ्री प्लस लाइव और टीम एमएस के एक ही बंदा बचा हो चुके हैं। एमएस की जलमाज लेट्स जलमाज आई थिंक अपनी टीम के साथ मौजूद नहीं थे, लड़का फॉल बैक कर चुका है टीम को एक बेटर पोजिशन पर जाने की तय करेगा। लेट्स जलमाज यहाँ पर मैसेज के सर्वाइव कर पाएगा। चलते हैं टीम ठंडक की बात करते हैं, ठंडक यहाँ पे थ्री प्लेयर्स अभी तक सर्वाइवल आउट की बैठी वोल्फ एंड शानो नाम है इसका, या शानो सामने की टीम आठ वर्ष मिल टीम आठ वर्ष के थ्री प्लेयर्स मुझे यहाँ पे वैल्यू में अलाइव अलाइव दिख रहे हैं, जो उनके बैक साइड टीम थी फोर में सैरो के चारों प्लेयर्स मौजूद हैं। 4v3v2v3 सिचुएशन है, लेट्स सी अब कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। वो इसका 48 प्लस लाइफ में 16 टीम्स अवेलेबल, लेट्स सी अभी कौन सी टीम किसको एलिमिनेट करती है। आटोश के निंजा वॉच आउट अहमद एंड इनसेन अभी तक यहाँ पे मौजूद है। टीम नंबर 24 की बात करें, टीम 24 यहाँ पे स्क्वाड के लिए टीम ठंडे को, टीम ठंडे इस वक्त दो स्क्वाडों के बीच में बैठ के सर्वाइव कर रही है। लेट्स सी टीम ठंडे के ऊपर कौन सा स्क्वाड पहले पूछता है, कौन सी टीम किसको एलिमिनेट कर पाएगी। ग्रेनेड थ्रो की पिकअप करने की टैग जरिए बहुत ही प्यारा ग्रेनेड थ्रो किया यहाँ पे ठंडे शानो की जान से, लेकिन वहाँ कोई भी बंदा बैठा ही नहीं हुआ था, उसको डैमेज करना था। ठंडे शानो यहाँ पे करते हुए सर्वाइव, उसी का 48 प्लस लाइफ में 15 टीम्स अवेलेबल, द जोन इज इंटरेस्टिंग राइट नाउ। लेट्स सी नेक्स्ट उसका एडवांटेज कौन कौन सी टीम को मिलेगा। यहाँ पे सभी टीमें आलमोस्ट डोर में मौजूद है, जबकि यहाँ पर काफी क्लोज है। टीम नंबर 8 के आर इनफाइनाइट के ऊपर अटैक हो रहा है टीम D7 की जानव से। लेट्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज सामने से टीम नंबर 18 यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए। भाई कैंसर मिलने लगे। अरे भाई गन नहीं चेंज करनी थी ना, ये क्या किया या बहुत सारा। वन डाउन लेट्स सी वह इनफाइनाइट क्लच करते, आज क्लच करते हुए पतला ले अपने स्क्वाड का। DBS हमें जान तेरे पास कर ले कुछ तो। अरे अरे यार आवाज़ नहीं है क्या मुझे, तो की छोड़ो यार, चल खैर है बात ही। ओके बॉयज एक्सेलेंट गेम प्ले फ्रॉम आरी इनफाइन, लड़के ने काफ़ी ट्राई की थी लाइट, लेकिन आई थिंक तीन बंदे सामने फायर काफ़ी हो रहे थे, उसमें मोल्टोक की आवाज़ नहीं आ पाई। यहाँ पे आरी की इनफाइनाइट फिनिश होते हुए D7 यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए उसके ऊपर 6 प्लस लाइफ है एंड 15 डीज अवेलेबल। टीम नंबर टीम D7 के भी तक 4 प्लस लाइफ है, बढ़ते अपनी टीम की जान। लेट्स सी यहाँ पे जोन की बात करें, जोन का एडवांटेज यहाँ पे काफ़ी टीम्स को मिल चुका है, सभी टीमें ऑलरेडी यहाँ पे ओके। एनीवेज यहाँ पर टीम आठ वर्ष के बंदे को मिल चुका है रिवाइव सामने से। टीम 19 के MFS स्ट्राइक काफी क्लोज चुके हैं, टीम MFS के शेर खान एंड MFS के प्रिंस फाइटी सामने आ चुके हैं। टीम नंबर 12 के 2v4 सिचुएशन देखने मिल सकते हैं, MFS के मोटल वाइटी भी लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो फ्लैंक देख के लड़का आ चुका है पिकअप करने की ट्राई करें। आठ वर्ष के जेंग पैटी को ईजिली यहाँ पे फिनिश आउट मिल सकता है मोटल वाइटी, जहाँ से SC90 को जैफा के लिए आ चुके हैं। वन मैन डाउन MFS शेर खान को डाउन कर दिया, MFS शेर खान को फिनिश आउट करा के एक किल अपने नाम कर लिया। और जैफा ने जाते जाते भाई MFS का नुकसान पहुँचा दिया, शेर खान को फिनिश आउट करा के टीम MFS 3 मैन स्टैंडिंग पर उसका तभी भी सर्वाइव करते हुए वो सिका 42 पे सर्वाइव। देखते हैं क्या सिचुएशन मिलती चलती है वापस टीम ठंडे की जाना, और टीम ठंडे दोबारा 3 साल में चली गई है ड्रॉप में। क्या भाई हैवी गन आ रही है ड्रॉप में,
एनीवेज यहाँ पे आर्टोश अहमद को पड़ चुका है डाउन, जिस जो कि काफ़ी मशहूर होगा 10 और 15 के लिए आर्टोश अहमद को रिवाइव करना। लड़का काफ़ी खतरनाक पोजिशन में बैठा हुआ है बिकॉज बैक साइड टीम साइड आ चुकी है, सामने टीम टेन है और उसकी बैक साइड पे टीम 24 भी मौजूद है। लेट्स सी 15 के आर्टोश अहमद रिवाइव हो पाएंगे या नहीं। मी लीडर वाइटी, हाँ पता चल गया, पता चल गया शानी तुम लीडर हो। ओके कैसे हो, क्या चल रहा, ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द स्क्रीन। बहुत मुश्किल हो रही है, हाँ बाकी आशानी बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन हम भी ठीक हैं, हम करेंगे, करके दिखाएंगे। ओके आई एम बैक। एनीवेज वसील को 4 प्लेयर्स लाइफ इन टीम सायर और 3 प्लेयर्स लाइफ इन टीम आर्टोशन, 3 प्लेयर्स सॉरी 4 प्लेयर्स लाइफ इन टीम आर्टोशन, 3 प्लेयर्स लाइफ इन टीम। अभी तक किसी भी टीम ने किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया है। आर्टोशन बंदे वह कुछ यहाँ पे आ रही की फ्लैश की जानब से D7 के हेडमैन को पर्ची डाउन। चलते हैं टीम 24 की बात करते हैं, टीम D7 यहाँ पे अटैक हो रहा है टीम 24 की जानब से, उसी का 3 प्लेयर्स लाइफ एंड 12 टीम्स अवेलेबल। देखते हैं कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा, लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन स्क्वाड अभी तक लाइव है। PS के अभी तक 3 प्लेयर्स लाइफ है, T7 थंडर के भी तक 3 प्लेयर्स लाइफ है, T9 रेक्स के भी तक 2 प्लेयर्स लाइफ है, T15 यहाँ पे आठ वर्ष के 4 प्लेयर्स अभी तक लाइव है, T16 RE के 3 प्लेयर्स अभी तक लाइव है, T17 MFS के 2 प्लेयर्स अभी तक लाइव है, T19 MFS के अभी तक 3 प्लेयर्स लाइव है, T20 नक्शी के 4 प्लेयर्स लाइव है, T22 यहाँ पे MFS के अगेन 4 प्लेयर्स लाइव है, T23 MES का एक बंदा लाइव है, T24 यहाँ पे MES का अगेन MES है ना, ये कैसे MES ही है अगेन यहाँ पे एम एस के 4 प्लेयर्स लाइफ है, T25 साइरो के भी यहाँ पे 4 प्लेयर्स लाइफ है, वो इसका 37 प्लेयर्स लाइफ है, 12 स्क्वाड अवेलेबल। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम किसको एलिमिनेट कर पाएगी। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट फाइट की, जोन एक बार फिर से शिंक हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी स्क्वाड ऑलरेडी जोन में मौजूद है, टीम थंडर सिर्फ यहाँ पे टीम आर्टवर्स को जोन में आने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बिकॉज लड़की अगर राइट से फ्लैंक देते हैं तो एम एस का सामना करना पड़ेगा, लेफ्ट से फ्लैंक देते हैं तो साइरो का सामना करना पड़ेगा और सामने तो टीम थंडर के मौजूद है। चलते हैं बात करते हैं टीम आर्टवर्स की, लेट्स सी टीम आर्टवर्स यहाँ पे किस तरीके से जोन में मूव इन कर पाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, रोमियो सुन लिया तुम्हारा, रोना बार बार ना बोलो। ओके बोल जाए टीम NXG के डेड सुल्तान को पड़ चुका है डाउन, लेट्स सी NXG क्या कर रही है, किधर है ये, किधर है ये लोग, अच्छा पहले से जोन में है, एनीवेज वसील को 37 प्लेयर्स लाइफ एंड 12 टीम्स अवेलेबल, टीम साइरो की जानब से यहाँ पे जोन में मूव इन कर किया जा चुका है, टीम आर्टवेच इज द ओनली टीम जो कि अभी भी आउट ऑफ द जोन है,
रेड सी टीम आटोस यहाँ पे कैसे जोन में मूव कर पाएगी बढ़ते हुए। राइट साइड पे लड़के फ्लाइंग मार चुके हैं, सामने एमएस के यलमाज मौजूद है। एमएस का स्कॉर्पियो यहाँ पे काफी डैमेज दे सकता है टीम सैरो को। यलमाज आई थिंक मुझे यहाँ पे एएफके लग रहा है, चलते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो को। नहीं, लड़का जिंदा है, लड़का जिंदा भाई, काफी क्लोज के टीम आटो चला चुके हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पे काफी डैमेज दे सकता है टीम आटोस को, देखते हैं हम यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने मिलेगी। एमएस स्कॉर्पियो पे कितने बंदों को बचाव दे पाएंगे। आटोस की अहमद बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड पहुंच चुके, उससे आइडिया नहीं है। तो बंदा आज क्या भाई होश कर लो, फुट से आगे भाई, उसे अभी नहीं पता चला, उसे अभी भी पता नहीं चला। यहाँ पे एम ई स्कॉर्पियो को पड़ चुका है डाउन टीम आर्टविच के अहमद की जान से। वेरी वेल गेम पे फॉर टीम एम ई यहाँ पे डैमेज जा रहा है, हमको पिकअप करने की जा रही है और डाउन कर दी गया आरी फ्लैश की जान से। बहुत ही रिकवर दी गया टीम 24 के एम ई स्कॉर्पियो को। एम ई स्कॉर्पियो यहाँ पे फिनिश कर दी गई टीम आर्टविच के सिलसिले पे लाइव है। टीम आर्टविच के बंदा फिर फिनिश हो चुका है। टीम 24 के 3 पे भी लाइव है, उसका 25 पे लाइव एंड 12 टीम्स अवेलेबल है। जोन इज इंटरेस्टिंग वाइट आउट ऑफ 40 सेकंड, देन लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन से स्क्वाड को मिसी जोन मूव इन करना पड़ेगा। इसके अलावा टीम रेक्स के 2 प्लेयर्स लाइव हैं, टीम एम्फेस के 3 प्लेयर्स अभी तक लाइव हैं। यहाँ पे हमें फायर सीन देखने को मिल सकता है। फिर से टीम ठंडे का, टीम आर्टर्स का, टीम सारे को चलते बात करें सारे की, लेट्स सी सारे यहाँ पे क्या करिए। सारे यहाँ पे स्टिल 2 प्लेयर्स को फिनिश ऑफ दे सकते, टीम ठंडे के प्लेयर को डाउन दे सकती है, टीम आर्टर्स के बंदे को डाउन दे सकती है। लेट्स सी सारे यहाँ पे अटैक करेगी या फिर जोन में मूव करने की ट्राई करेगी। जोन इज श्रिंक राइट आफ्टर 13 सेकंड, यहाँ पे फिर से अटैक किया जा रहा है टीम ठंडे की जान से। सायरो के बंदे को पड़ चुका है डाउन, वेरी वेल गेम प्ले फ्रॉम टीम ठंडर। लेट्स सी सायरो के आई थिंक पीछे 2 ही बंदे बचे हुए हैं यार। ये सायरो वाले तुम लोग नाम तो कम से कम अपने अच्छे अच्छे रख लो यार, क्या नाम रखे हुए तुम लोगों ने, ये तो पढ़े भी नहीं जाते। ये दनियाल भाई का अच्छा नाम है बस, सही जा रहे हो यार। मैं तुम्हारा दर्द समझो हूँ भाईओ, तुम नहीं समझो हो, आप समझ ही नहीं सकते यार ये क्या हो रहा है भाई। मच्छर कहाँ से आ गया भाई, ये सारी मुसीबतें मेरे सर पे एक साथ क्यों आती हैं। एनीवेज वो स्टिल गॉट 31 प्लेयर्स अलाइव एंड 12 टीम्स अवेलेबल। मेरी हालत बहुत खराब कर रहे हैं लोग। ओके बॉयज, टीम एनएचजी के सामने आ चुके हैं। टीम सारो के बंदा डाउन पर, टीम सारो के सिर्फ लाइव है, एनएचजी के चारों पे अभी तक लाइव है। एमएफएस के स्केच है सामने, पीएस के समूस बैटे को दे दिया टाउन यहां पे अटैक करते हुए। एचएस उनको डाउन पर चुके, टीम एमएफएस के सिर्फ बैप्टाइज होगी अभी तक लाइव है। टीम आ चुकी है पीएस के साथ ही, इज द ओनली वन स्टैंडिंग इन टीम पीएस। लेट्स सी साथ ही अपनी टीम कैंप पे बचा पाएंगे, यानी बिकॉज उनके काफी टीम के साथ के आदि लोग को डाउन करने की ट्राई की है, लेकिन एक भी कोई आदि लोग यहां पे टच नहीं आती। लड़का डाउन द रिश्ता, जिसकी वजह से यहां पे उसका फायर कामयाब नहीं हो सका। बैक साइड पे उसके इनसेंटिव के बंदा मौजूद यहाँ पे, इजीली पीएस आदि को फिनिश करा दे देगा बैक से, लेकिन अभी तक उसका ध्यान ही नहीं है। पीछे जो टीम एमएस का बंदा बैठा है उसका पता ही नहीं, उसके बिल्कुल सामने पीएस शादी बैठा हुआ है। शादी अभी तक सर्वाइव कर रहा है। लेट्स सी शादी आप मजीद कितना सर्वाइव करवाएगा, लड़के पर लक है, किस्मत है लड़का यहाँ पे सर्वाइव कर, बिकॉज के बिल्कुल पीछे ही टीम एमएफएस का बाबडा ओवर स्पॉट रख है, स्पॉटिंग हो चुकी है। एमएफएस के बाबडा की जान से फिनिश करा दिया गया, पीएस शादी को फिनिश करा दी गए और पीएस के व्हाट, अरे भाई व्हाट अ गेम फ्रॉम पीएस। स्मूथ बॉडी ने बहुत बार रिफ्लेक्स है के एमएफएस के वाबडा इस ओपी को फिनिश अप करा दी है ऑन 1% एचपी ओनली। लकली बल्कि लकली नहीं मैं कहूंगा, लड़के ने अच्छा गेम प्ले दिखा के यहाँ पे सर्वाइव किया है। पीएस स्मूथ बॉडी यहाँ पे कटी ने सर्वाइव अपने टीम को परिवार दे चुके हैं। जोन में मूविंग करना पड़ेगा पीएस को भी और सामने टीम 16 को भी। द जोन इज गोइंग टू श्रिंक राइट आफ्टर 20 सेकंड, लेट्स सी। एनीवेज यहाँ पे टीम एमएफएस के 2 बंदों को एक बार फिर से डाउन वर्च के D7 के हिटमैन अभी तक लाइव है। एमएफएस के किलर अभी तक अप्लाई है 2 मैन स्टैंडिंग पावर के साथ सामना करते हुए टीम 24 का। टीम 24 एमएस का लाइनअप है, उसके 3 प्लेस मुझे यहाँ पे लाइव देखने क्रैक आरी फ्लैश और सामने मुझे टीम 24 के निंजा प्लेस। इसके अलावा टीम एमएफएस की बात करें, टीम एमएफएस के 2 प्लेस लाइव है। लेट्स सी टीम एमएफएस यहाँ पर टीम नंबर 24 के कितने प्लेस को डाउन फिनिश ऑफ दे पाएगी। चलते हैं यहाँ पर टीम एमएफएस की बात करते हैं, अटैक करते हुए टीम 24 के प्लेयर को डाउन करने की ट्राई करते हुए, लेकिन लड़कों के पास जोन मौजूद नहीं है जिसका काफी नुकसान होगा। टीम 22 का जोन में मूव करना पड़ेगा, जबकि टीम 24 पहले से ही जोन के काफी क्लोज मौजूद है। लेट्स सी हमें क्या सिचुएशन देखने मिलेगी।
भाई टीम एनएक्सी जोन में क्यों मरती जा रही है, क्या हो गया? ओके भाई पूरा स्क्वाड यहाँ पे एनएक्सी का आउट ऑफ द जोन ही फिनिश अप हो गया माशाल्लाह। सुल्तान आखिरी फंस गया जो कि फेल होने वाली है और यहाँ पे टीम एनर्जी एट नाइन्थ पोजीशन एलिमिनेट होते हुए टीम ऑफ फोर के पी एस जमूज बैठे यहाँ पे हील बैठक कर रहे हैं। छः फसल के साथ बीसी का 14 पे लाइव एंड एट टीम यहाँ पे जोन की बात करें जोन में सिर्फ टीम एम एस मौजूद है और टीम आर ई टीम आर टी ठंड के शानों भी अभी तक यहाँ पे बैलेंस अलाइव है। टीम हुसैन की बात करें ठंड शानों लेट्स सी टीम आर टी के दोनों प्लेयर्स को फिनिश अप दे पाएंगे नहीं, लड़के पास काफ़ी अच्छा एडवांटेज मौजूद है लड़के पास मौका मौजूद है अभी दोनों प्लेयर्स को फिनिश अप दे सकता है। लेट्स सी ठंड शान यहाँ पे किस प्लेयर को डाउन करने की ट्राई करेंगे। लड़के को आई थिंक यहाँ पे अटैक कर देना चाहिए था बिकॉज इसके अलावा टीम आर्टिस्ट अलावा उसके पीछे जोन्स भी आ रहा है, उसको जाना भी सामने ही है तो लड़का क्या करेगा यहाँ बैठ के। देखते हैं यहाँ पे टीम ठंडक का लड़का टीम आर्टिस्ट किसी बंदे को टाउन दे पाएगा या नहीं। एनीवेज यहाँ पे आउटर जोन पी एस के बंदा जमूज बाई टीम भी फिनिश अप हो चुका है। वो सिर्फ 14 प्लेयर्स लाइव एंड 5 टीम्स अवेलेबल है टीम एमएस के 3 प्लेयर्स लाइव है टीम टू के एमएफएस किलर समहाउ अभी तक कर रहे हैं सर्वाइव। लड़के पास दो फर्स्ट मौजूद हैं यहाँ पर ग्रेनेड थ्रो की जा रहे हैं भी एमएफएस किलर की जानब से आरी के बंदे को पिकअप करने की ट्राई की जा रही है लेकिन यहाँ पे बहुत हार्ड है। लेट्स सी किलर यहाँ पे कितने बंदों को डाउन कर पाएगा। ये क्या था? ओके फंस गया लड़का फंस गया। आई थिंक लड़का अगर पहले ही भाग लेते तो इसके लिए थोड़ा सा ईजी होता जोन में जाना लेकिन इट्स गोना बी हार्ड इट्स गोना बी हार्ड। एम एफ एस के लिए यहाँ पे आउट ऑफ द जोन फिनिश अप हो जाएंगे और यहाँ पे फुल ब्लीडर होते हुए टीम एम ई एस स्टिल सर्वाइव करी है। टीम एम ई एस यहाँ पे जोन में मूविंग करने की ट्राई करेगी। सामने टीम 15 के स्टिल 2 पे लाइफ है टीम 16 के यहाँ पर 3 पे लाइफ है। अटैक किया जा रहा है टीम आउट ऑफ के ऊपर टीम एम ई एस की जानब से। दिस इज द फाइनल बैटल बिटवीन 3 सर राइट नाउ। लेट्स सी यहाँ पे कोस टीम किसको फिनिश अप देती है। ओके बॉयज द जोन इज गोइंग टू श्रिंक वाइट आफ्टर 28 सेकंड। यहाँ पे टीम नंबर 16 को जोन में मूविंग करना पड़ेगा, टीम एमईएस को जोन में मूविंग करना पड़ेगा और टीम आर्टोश भी इस वक्त कम्प्लीटली जोन के अंदर मौजूद नहीं। यहाँ पे निंजा को फुल फिनिश ऑफर से टीम आर की जानब से। टीम 24 के स्टिल 3 पे लाइफ है, टीम 16 के 3 पे लाइफ है और टीम आर्टोश के 2 पे लाइफ है। दिस इज द फाइनल बैटल बिटवीन 3 और राइट नाउ। हम यहाँ पे 3v3v2 सिचुएशन देखने मिल सकती तीनों स्क्वाड के बीच में। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। आर्टोश निंजा को यहाँ पर चुके नौ निंजा प्लेयर्स की जानब से। आर्टोश का वन शॉट पॉइंट is the only man standing in town team artwise. let's see one shot apni team ko kaun si position tak pahuncha payega. samne 24 ke ko dekho town par chuka hai. 24 ke sirf 3 players alive hai jabki team 16 ke tino ke tino players abhi tak very good alive hai. dekhte hain yahan pe kaise situation dekhne ke liye bahut hi pyara grenade throw kiya gaya hai. yahan pe artwise ke one shot chance se iska damage ho sakta hai. iska damage okay bhai grenade nahi laga. team 24 ke dono players karte hue survive team artwise ke player ko. let's see yahan pe revive diya ja sakta hai ya nahi. एनीवेज टीम नंबर 16 की जानब से जोन में मूविंग करने की ट्राई की जा रही है टीम नंबर 15 का। आर्टोच वन शॉट अभी तक अलाइव है जबकि टीम 24 के 3 बेस अभी तक अलाइव है। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम किसको फिनिश अप देगी। टीम आर्टोच यहाँ पे फिनिश अप दे सकती है टीम 24 के लास्ट में सेंडिंग का जो कि आरी फ्लैश। आरी फ्लैश पर काफ़ी डैमेज पड़ा लड़का करते हुए वन परसेंट की सर्वाइवल। यहाँ पे आर्टोच वन शॉट को फिनिश अप कराते हुए आर ई किसने मारा है आरी सैनी अब फिनिश अप कराते हुए जो कि टीम नंबर 16 के प्लेयर है वन शॉट का। यहाँ पे थर्ड पार्टी के सामने टीम 24 का स्टिल 1 पे लाइव है निंजा प्लेयर्स एंड यहाँ पे आरी का फ्लैश जो कि टाउन हुआ है। लेट्स सी निंजा प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पे 1v3 आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे पुल ऑफ कर पाएंगे निंजा प्लेयर यानी आरी फ्लैश यहाँ पर रिवाइव मिल चुका था। आरी फ्लैश इज ऑनली मैन स्टैंडिंग। देखते हैं आरी फ्लैश यहाँ पे कितने प्लेयर को डाउन दे पाएगा अटैक करते हुए। जियो के साथ काफ़ी डैमेज है काफ़ी ज्यादा डैमेज डाउन कर चुके हैं लेकिन बैक साइड से आरी के बंदे आके फ्लैंक देते हुए फिनिश अप करके टीम एमईएस को टीम आरी स्टॉर्म का चिकन अपने नाम करते हुए विथ 6, 7, 8, 9 किल के साथ दरकन एक्सरूम का चिकन अपना की जबकि टीम एमईएस यहाँ पे सेकंड पोजीशन से किया। टीम आर्टवेस्ट ने थर्ड पोजीशन से किया यहाँ पे जबकि टीम एमएफएस यहाँ पे फोर्थ पोजीशन से की है। इसके अलावा फिफ्थ पर टीम थंडर, सिक्स पर टीम पीएस, सेवन पे टीम साइरो, एट पे टीम एमएफएस अगेन, नाइन पे टीम एनएक्सी, टेन पे टीम एमएफएस अगेन, इलेवन पे टीम आरएक्स, ट्वेल्व पे टीम एमईएस, थर्टीन पे है टीम टीम सेवन, फोर्टीन पे टीम आर्टवेस्ट, फिफ्टीन पे टीम पीएस, सिक्सटीन पे टीम आरई, सेवनटीन पे टीम एमईएस, एटीन पे टीम एसडब्ल्यू। ओके बॉयज दिस इज पीएमएसएल सेमीफाइनल्स ग्रुप बी डे वन थर्ड मैच। लेट्स गेट रेडी फॉर द फोर्थ मैच। जी जी सारी सही जा रहे हो यार। यार रोमियो लास्ट मैच कैंसिल नहीं हो सकता।
मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन स्ट्रीम। कैन यू प्लीज़ रेट ऑन ब्लू प्लेस? यार मैं रेट करता हूँ, ये नॉर्मल स्ट्रीम होती है, नॉर्मल स्ट्रीम नहीं चल रही है। मैं टूर्नामेंट की कास्टिंग कर रहा हूँ और यहाँ जो ऑडियंस बैठी हुई है वो सिर्फ टूर्नामेंट की बैठी है, मेरी ऑडियंस नहीं बैठी हुई है। अगर मैं रेट कर भी दूंगा तो फ़ायदा नहीं होना। लेट्स गो लेट्स गो। हमारे आज का लास्ट रूम, इस रूम के बाद हम रेस्ट करेंगे। ये यार 3 लाइक रह गए 50 होने में, कर दो। क्या सोच रहे हो, क्या पपिया दो तुम लोगों को आके लाइक करोगे तब? हैं, चलो जल्दी करो, लाइक करो, कोई बात नहीं मानते तुम लोग मेरी। अच्छा सो गया यार, आयशा लाइक करो यार, क्या कर रही हो? ओके लेट्स गो, दिस इज़ PMSL सेमीफाइनल्स ग्रुप बी डे 1/4 मैच। हमारा आज का लास्ट मैच स्टार्ट हो चुका है, लेट्स सी। आई होप सो मेरे इस मैच में ग्लिच नहीं होगा। देखते हैं कितने प्लेयर्स ने हमें इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया है। वही गॉट 72 प्लेयर्स, फ्रीकिंग 72 प्लेयर्स वेल नोट अलाइव इन दिस रूम। यहाँ पे टीम्स की बात करते हैं, चलते हैं टीम्स की जानें। मौजूद है हमारे पास यहाँ पे टीम नंबर 4 ने PES ऑफिशियल्स का वो लाइनअप है, टीम नंबर 6 में यहाँ पे आर्टविच का लाइनअप है। गेस यार फिर से कोई अजीब सा लाइनअप आ गया, हाँ आर्टिस्ट भी होगा। टीम नंबर 7 में ठंडे एक बार फिर से टीम नंबर 7 में घुस के, इनको टीम नंबर 7 बहुत पसंद है, लड़के टीम 7 को नहीं छोड़ते हैं। टीम नंबर 8 में यहाँ पे PES आ चुकी है, टीम नंबर 9 में रेक्स आ चुकी है, टीम नंबर 10 में आरी आ चुकी है, टीम नंबर 12 में आरी आ चुकी है, टीम नंबर 13 में यहाँ पे MFS आ चुकी है, टीम नंबर 14 में यहाँ पे NXT आ चुकी है, टीम नंबर 15 में यहाँ पे MFS आ चुकी है, टीम नंबर 16 में STW आ चुकी है, टीम नंबर 17 में आरी का सॉरी आटोश का गेंद फुल लाइनअप है, टीम नंबर 19 में D7 का फुल लाइनअप है, टीम 20 में MFS का फुल लाइनअप है, टीम 21 में MES का फुल लाइनअप है, टीम 22 में MES का फुल लाइनअप है, टीम 23 में MES ऑफिशियल का फुल लाइनअप है एंड टीम 25 में सारे फुल लाइनअप है। ओ प्लेन मुझे आइलैंड पे छोड़ गया भाई, हेलो। अरे प्लेन भाई कहाँ गए? अरे प्लेन हेलो भाई, मेरी उसने फ्लाइट ही नहीं लेके गया मेरे साथ। चलो मुझे उधर जाना पड़ेगा।
एनीवेज यहाँ पे प्लेन का रूट है अपनी मॉक्स लेके मिल्टा पावर की जाना, प्लेन का रूट है बिल्कुल बॉटम की जाना है। यहाँ पे मिलिट्री बेस और कोचिंग की स्कूल के अंदर हमें काफ़ी क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। लेट्स हमें यहाँ पे अर्ली फाइट्स इन कॉम्पस स्क्वाड के बीच में देखने को मिलेगी। प्रीमॉक्स ने यहाँ पे दो टीमें लैंडर की, टीम नंबर 9 एंड टीम नंबर 17। टीम नंबर 17 के चार प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि टीम नंबर 9 के भी मुझे यहाँ पे चार प्लेयर्स अलाइव देखने हैं। टीम आर एक्स वर्सेज टीम आर टू निंजा डाउन कर सकते हैं, आर टू निंजा पर डाउन दे सकते हैं। रेक्स के चिल्लाद भाई हमेशा सबसे पहले क्यों डाउन होते हैं, मतलब आपने कसम उठाई है मैंने आपकी टीम में सबसे पहले नॉक होना है, ये कसम आप तोड़ोगे? अच्छा सॉरी, ओके भाई अभी आर टू निंजा की जानव से डाउन बच के आर एक से चिल्लाद को, आर एक से सॉरी टीम आर एक से सिर्फ 3 पे अलाइव है। लेट्स सी रेक्स चिल्लाद को यहाँ पे रिवाइव मिल पाएगा या नहीं। ओके बॉयज यहाँ पे टीम आर एक्स का रेक्स का बंदा हो चुका है फुल रिवाइव। टीम आर एक्स चारों चार पे लाइफ है, टीम आठ के चार पे लाइफ है। फाइनली हमें यहाँ पे 44 सिचुएशन देखने को मिलेगी दोनों स्क्वाड्स के बीच में। लेट्स सी कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करता है। थोड़ा सा जोर लगाता हूँ मैं कास्टिंग करने में, फिर मेरी दर्द शुरू हो जाता है, फिर मैं चुप कर जाता हूँ। ये तो नहीं जोर नहीं लगाना भाई, आर्टो जैमन के पास इस काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे डाउन करने का यूट्यूब कामिक, और उसको यहाँ पे रिवाइव भी नहीं मिलेगा। इजी नॉक है, इजी नॉक, लड़का कोई रिस्क नहीं लेगा, आराम से नॉक करने की ट्राई करेगा। लेट्स सी यहाँ पे आर्टो जैमन नॉक दे पाएंगे नहीं भाई, कर दे नॉक क्या सोच रहा है, प्यार से आराम से। अरे वो फिनिश कराने के चक्करों में ये क्या क्या बात है। एक मिनट रुको, मुझे खड़े होने दो, एक मिनट मैं शूज़ पहन रहा हूँ, रुको जरा एम भी रुको रुको एक मिनट, ये मैं खड़ा हो गया चलो। अच्छा सॉरी ना, मैं बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना, हो जाता है हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरे से ही होता है, मेरे से अक्सर होता रहता है। ओके भाई उस तरीका 31 प्लेयर्स अलाइव इन 18 टीम्स अवेलेबल। लेट्स सी हमें मजीद फाइट्स इन कौन कौन से स्क्वाड के बीच में देखने में, 13 नंबर 9 के चारों प्लेयर्स अभी तक अलाइव है, टीम नंबर 17 के चारों प्लेयर्स अभी तक अलाइव है। लेट्स सी मजीद क्लैश हमें कौन कौन स्क्वाड के बीच में देखने मिलेंगे। SCW की लड़कियाँ पे फाइट करते नजर आ रहे, लेकिन समझ नहीं आ रही लड़के फाइट कर कहाँ रहे हैं। ओके भाई चलते हैं टीम 16 की जान, 16 का एक्शन डन पड़ा है, माफिया अभी तक अलाइव है, साइबर वाइटी अभी तक अलाइव है, माफिया ने आईवी के सैम वाइटी को टाउन दे दिया है। साथ में टीम 16 और प्लेयर्स मिले, लेट्स सी हमें कौन सा प्लेयर किसको पिंचअप करेगा। माफिया की जान से गाड़ी लेकर मूवमेंट किया, लेकिन यहाँ पे गाड़ी लाने का फायदा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे डाउन कर दिया है बहुत ही प्यारा। यहाँ पे SCW साइबर की जहाँ से नाउ चलेगा टीम 6 को, तो देखो टीम नंबर टीम SCW का एक बंदा यहाँ पे फुल पिंच आउट करेगा। टीम 6 से दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं, जबकि टीम 6 का C90 हुज़ैफ़ा यहाँ पे फॉल बैक करते हुए अपनी टीम को एक बेटर पोजिशन तक पहुँचाने की ट्राई करेगा। आई थिंक हुज़ैफ़ा यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज अगर पता चल गया टीम नंबर 16 को भी हुज़ैफ़ा यहाँ पे है, देन इट्स गोना बी हार्ड फॉर हिम टू सर्वाइव। लेट्स सी हुज़ैफ़ा यहाँ पे टीम नंबर 16 जाने बढ़ते हुए क्लोजिंग करने की ट्राई कर रहा है, देखते हैं हुज़ैफ़ा कितने बंदों को डाउन कर पाता है। अरे हंसता नहीं है ना यार, अच्छा हंसी आ जाते हैं, हरकते हैं, ऐसी करते हैं लोग, मैं क्या करूं। ओपी भाई यहाँ पे SCW
साइबर वाइटी की जानब से इजीली पिकअप कर लिए गए C90 को सैप पकड़ यहाँ पे टीम नंबर 6 फुल एलिमिनेट होते हुए एट 18 पोजीशन विल स्टिल गॉट टू पर्स लाइफ पे टीम नंबर 16 लेट्स सी यहाँ पे 16 में से कितना सर्वाइव कर पाएगी देखते हैं मजीद फैशन यहाँ पे कौन कौन से स्कॉट के बीच में देखते हुए चलते हैं वापस एक बार फिर से टीम नंबर 17 की जानब जिनके यहाँ पे इंसेंट डाउन पर लेट्स इंसेंट कहाँ पर रिवाइव मिल पाएगा नहीं जबकि टीम नंबर 9 के अभी तक 4 पर्स लाइफ है 3 पॉजिटिव सिचुएशन आ चुकी है अभी दोनों टीम्स के ऊपर देखते हैं हम यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी भाई YouTube कॉमी को मौका तो बहुत मिला था ऐसा मानने का लेकिन पता नहीं लगता आज सुबह सभी को खाना नहीं मिला अजीब जी हरकतें हो रही है यहाँ पे YouTube कॉमी हो चुकी है डाउन आई थिंक इट्स गोना बी हार्ड फॉर टीम नंबर 9 टू रिवाइव हिम बिकॉज लड़का अपनी टीम से बिल्कुल अपोजिट साइड पे है बीच में चारों प्लेयर बैठे हुए टीम आर्टवर्च के लेट्स सी टीम आर्टवर्च को फिनिश ऑफ देखें यहाँ पर टीम नंबर 9 अपने प्लेयर को रिवाइव दे पाएगी यानी जो कि मुझे पॉसिबल तो नहीं लग रहा है लेट्स सी हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलती है एनीवेज यहाँ पर टीम नंबर 9 के एक बंदे को फुल फिनिश ऑफ कर चुका टीम नंबर 9 के स्टिल 3 पे लाइफ है दिस इज द बैटल बिटवीन 3v4 राइट नाउ लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करता है 8 बज के अहमद तो भी अभी तक काफ़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए सामने से रक्षित लात मौजूद है लेट्स सी अहमद इस बार चल्लाद को नॉक दे पाएगा या नहीं भाई नॉक हो सकता है नॉक हो सकता है अगर कुकु का ग्रेनेड है तो व्हाट इस नॉक नहीं हुई है लेट मी सी अच्छा वो डब्बे के पीछे बैठा हुआ था ओके ओके नाइस मुझे लग रहा है जलाल भाई यहाँ से 1v4 दिखाएंगे बस मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी ओके बॉयज एक बार फिर से टीम में एसडब्ल्यू की फाइट शुरू हो चुकी है एसडब्ल्यू के साइबर अकेले बचे हुए हैं एक और बंदे का फिनिश अप हो चुका है पहली टीम थी मैच नहीं पाओ सर्वाइव करें तो लेट्स सी एसडब्ल्यू साइबर यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव कर पाएंगे नीचे के तीन बंदा मौजूद है 1v3 सिचुएशन आ चुकी है एसडब्ल्यू साइबर को अटैक किया जा सकता है H7M को यहाँ पर नॉक नहीं दे पाए आई थिंक यहाँ पर बचना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज लड़का पहले से ही काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर चुका था टीम एसडब्ल्यू यहाँ पर फिनिश अप करा देगी एट 16 पोजीशन चलते हैं वापस फिर मॉक्स जाना जहाँ पर टीम नंबर 9 और टीम 8 और चाबी भी आपस में फाइट करी है कोई किसी को पूछने का नाम ही नहीं ले रहा है लेट्स सी यहां पे कौन सी टीम किसको एलिमिनेट करती है आरी टेक्स यहां पे डाउन बच के आरी के चल रेक्स से चल्लाद और नेक्स्ट रेक्स के नारुतो अभी भी अलाइव हैं लेट्स सी चल्लाद और नारुतो यहां पे टीम नंबर 17 के प्लेयर को फिनिश ऑफ दे पाएंगे या नहीं
आई थिंक अगर थोड़ी सी हिम्मत करें लोग तो इस एक्स का टेक्सचर अभी भी रिवाइव हो सकता है। नारुतो के जहाँ से कवर प्रोवाइड किया जा रहा है आरिक अब्दुल्ला सामने मौजूद है, बैक साइड से इनसेन फिनिश ऑफ दे सकता है रेक्स टेक्सचर को। स्टिल वही को आर टोश निंजा को काफ़ी अच्छे एंगल मिलता है और यहाँ पर टेक्सचर को फिनिश कराते हुए आर टोश निंजा एक कुल अपने नाम करते हुए, जबकि आर टोश निंजा ने रिवाइव के चक्रों में अपने आप को भी नॉक खा लिया है। वहाँ पर बैक साइड से इनसेन फॉल बैक करते हुए अपनी प्लेयर के जाने पड़ते हुए, जबकि सामने आरिक अब्दुल्ला को पुश इन किया जा सकता है रेक्स की जानब से। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम किसको एलिमिनेट करेगी। इस वक्त टीम नंबर 9 के 2 प्लेयर्स अलाइव हैं, जबकि टीम नंबर 17 के 3 प्लेयर्स भी अलाइव हैं। ओके वो यहाँ पे रेक्स के जल्लाद को एक बार फिर से नॉक करते हुए नारुतो इज द ऑनली मैन स्टैंडिंग यहाँ पे। नारुतो को भी फिनिश करा के टीम नंबर 17 करते हुए यहाँ पे सर्वाइव फाइनली यहाँ पे टीम नंबर 17 3 मैन स्टैंडिंग पावर के साथ टीम नंबर 9 को एलिमिनेट करते हुए। बहुत ही कुछ लंबी फाइट होगी दिन लोगों की, पता नहीं क्या करते चलते हैं। टीम नंबर 8 की जाना, टीम नंबर 8 यहाँ पे 3 प्लेयर्स अलाइव है, सामने की टीम सायरो मौजूद है। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करता है। डाय जानू वपारिक तेन राम नहीं आंदा। आई एम बैक, वेलकम बैक। हेडशॉट करो पिक, करो, कर लो, कर लो। नहीं भाई कसम खा ली है। स्लो डाउन उमेर अच्छा तेजी नहीं हुआ। एनीवेज जब एक तो फिर से पार्टी देखने मिला टीम नंबर 12 का, चलते बात करें टीम 12 की टीम 12 की चारों पेस लाइफ अटैक करते हुए टीम नंबर कौन सी टीम तो एमएफएस के ऊपर टैग और एमएफएस रॉयल के ऊपर टैग और जबकि सामने एमएफएस के प्रिंस पार्टी भी मौजूद है। लेट्स सी प्रिंस पार्टी यहाँ पे कितने प्रिंस को काउंट दे पाएंगे। कहाँ है प्रिंस पार्टी? आई थिंक अब एमएफएस के दो बंदे पिकअप कर चुके हैं। एमएफएस के सिर्फ स्ट्राइक को प्रिंस पार्टी तक अलाइव है। देखते हैं एमएफएस के स्पेशल पिक मिलेगी उसे अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स लाइव। ये नई एमएफएस वाला नई तो नहीं है, एमएफएस में भी एक नई था ना। ओह एमएफएस का धोखा हो गया। डायनो मेरी कार क्या है? तुम्हारी कार गाड़ी है? ओके या हंसाओ ना यार, दर्द होती है मुझे। एनीवेज से रिकवरी टू इज लाइक पारी की बात नहीं है ये। ओके बॉय यहाँ पे आ रही है सैनिंग की जानव से नॉक करा गया एमएफएस प्रिंस पार्टी को। बहुत ही प्यारा गन्ने तुर किया था, बैक साइड कवरेज मिल रहा था। टीम नंबर 12 की जानव से लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारा नॉक पिंच करा दी गया टीम एमएफएस के प्रिंस पार्टी को। वो स्टिल गॉट 15 प्लेयर्स लाइव 14 टीम्स अवेलेबल यहाँ पे।
एमएस के हारिस वाइटी ने टाउन दे दिया टीन और 20 के बंदे को चलते हैं टीन 20 की जाने इनके थ्री प्लेयर्स डाउन पड़े काशो इज द ओनली मैन स्टैंडिंग लेट्स सी काशो यहां पे कितने प्लेयर्स को फिनिश ऑफ देके अपनी टीम को रिवाइव दे पाएगा यार आज का क्या हो गया तुम लोगों को तुम लोग अच्छा क्यों नहीं खेल रहे हो यार अच्छी वाली तुम लोग की गेम प्ले है एनिवेज फिल को फॉर नाइट इज लाइव 14 टीम्स अवेलेबल यहां पे एमएफएस काशू इज द ओनली मैन स्टैंडिंग इन 20 जबकि सामने टीम 13 के चार पे इज लाइव में 1v4 सिचुएशन दोनों स्क्वाड्स के बीच में कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट करेगा लेट्स सी नो मोमेंट यहां पे आई थिंक काशू किलर रह चुके हैं इसको मजीद सर्वाइव करना पड़ेगा बाकी टीम 20 के प्लेयर्स फुल नीचे बचे हुए सिको फॉर नाइट इज लाइव एंड 14 टीम्स अवेलेबल इसके अलावा टीम 23 के चार पे अभी तक लाइव है बाकी टीम्स की बात की जाए तो मजीद फाइट सीन अब यहां पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है चलते हैं यहां पे टीम एमएस की बात करें टीम एमएस ऑफिशियल यहां पे आ चुकी है एमएफएस के पैंथर को पिकअप करने की ट्राई की जा रही है लेकिन अभी तक कोई बंदा मजीद डाउन नहीं हुआ है पुशिंग किया जा सकता है टीम 13 के ऊपर पिकअप करने की ट्राई की जा सकती है टीम 20 का एमएफएस काशू इज द ओनली मैन स्टैंडिंग जो कि लड़का वॉच डॉग में अभी भी सर्वाइव कर रहा है लेट्स सी अभी काशू मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगा ओके भाई यहाँ पे काशू पुश हो चुका है काशू यहाँ पे पुश हो चुका है लेट्स सी काशू अभी कितने प्लेयर्स को डाउन दे पाएगा अटैक करते हुए टीम एमएस यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे मल्टो थ्रो हो चुके हैं इट्स गोना बी हार्ड फॉर एमएफएस टू सर्वाइव बिकॉज यहाँ पे लड़के का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है बैक साइड पर एक टीम पहले से मौजूद थी और सामने से एक और टीम आ चुकी थी यहाँ पे टीम नंबर 20 एमएफएस एलिमिनेट होते हुए एट 13 पोजीशन वो सी को 46 प्लेयर्स लाइफ एंड 12 टीम्स अवेलेबल लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा एनीवेज यहाँ पे टीम एमईएस फॉल बैक मार चुकी है आई डोंट नो लड़कों ने लेकिन यहाँ पे क्रश करने का प्लान कैसे कर दिया आर्टिवर्स अहमद की जानब से एमईएस के आर इस नॉक पड़े इट्स गोना बी इजी फॉर रिवाइव बॉयज लुक 46 प्लेयर्स अलाइव एंड 12 टीम्स ऑलरेडी यहाँ पे काफी प्यारा फाइट सीन देखने मिल रहा है हमें टीम एमईएस ऑफिशियल्स की जानब से उनके सामने टीम 13 के चार प्लेयर्स अभी मौजूद जबकि उनकी बैक साइड टीम 17 के भी चारों प्लेयर आ चुके हैं 40-44 सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है तीनों स्क्वाड्स के बीच में लेट्स सी यहाँ पे टीम एमईएस अपने प्लेयर को बचा पाएगी जो कि इस वक्त काफी मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं कौन सा फंसा हुआ एमएस के यलमाज यहाँ पे काफी गलत सिचुएशन में फंसा हुआ है लेट्स सी यलमाज यहाँ पे बच पाएगा या नहीं देख क्या कर रहे हो पीछे नहीं जाना आगे रो हरिस भी डाउन हो गया ओके एनिवेज यहाँ पे 34 प्लेयर्स को फॉल बैक करके आना पड़ेगा अपने प्लेयर को रिवाइव करने के लिए लेट्स सी यहाँ पे हारिस वाड़ी या मारी में से कोई रिवाइव हो पाएगा नहीं यहाँ पे एमएस के यलमाज भी एमएफएस के अच्छे के ग्रेनेड से नॉक हो चुके हैं फिनिश ऑफ किया जा सकता है इजीली एमएफएस की जान से इस वक्त टीम एमएस को बिकॉज सभी टॉप फिनिश ऑफ हो चुके हैं एंड यहाँ पर टीम नंबर 13 फिनिश ऑफ कराते हुए एमएस ऑफिशियल को आई थिंक यहाँ पे एमएस ऑफिशियल बहुत जल्दबाजी में फिनिश ऑफ हुई है लड़के इजीली बचे बड़े हुए थे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी पुशिंग करने की बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टीम एमएस ऑफिशियल मजीद सर्वाइव नहीं कर पाई If I get die का प्यार I do it क्या What are you saying bro? He can get knocked. I think still he can get knocked. Samne hi leta hua hai.
Anyways, we still got 39 players alive and 11 teams available. I'm sorry again. अगर आपको इतनी बेकार कास्टिंग देखने को मिल रही है, क्या करें, हम मजबूर हैं, राब ऐसे दूर हैं. जानू यार, नाइट बॉट नहीं तुमसे बात करना चाहता है फारिक, उसको मत बुलाओ. इस वक्त भाई पोचिंग की जोन के बिल्कुल सेंटर में पोचिंग की में काफ़ी स्क्वाड ऑलरेडी यहाँ पे होल्डिंग आ चुकी है. टीम एमएस होल्डिंग आ चुकी है, टीम नंबर 19 D7 यहाँ पे होल्डिंग आ चुकी है, टीम एनएस यहाँ पे आ चुकी है, टीम नंबर 12 आर यहाँ पे आ चुकी है. इसके अलावा मजीद बात की जाए जहाँ पे टीम 21 एमएस के लड़के मौजूद हैं, टीम नंबर 17 के दो लड़के बैक साइड पर मौजूद है जो कि आठ वर्ष के लाइनअप है. लेट्स सी मजीद कौन कौन शॉट पोचिंग की मैंने की ट्राई करेगा. उसी का 27 पेस अल्लाह यहाँ पे 8 वर्ष अहमद को गाड़ी के नीचे देख के भाई एम एफ एस पैंथर ने डाउन करिए भाई. जुल्म कर रहे हो, क्या कह रहे हो, ये ऐसे तो नहीं होता है. टीम एस डब्ल्यू के टू प्लेयर अभी तक लाइव एस डब्ल्यू है ना, नहीं भाई पी एस सर. राबिया की क्या जरूरत है जब नवीरा, बस फर्क ये है कि राबिया लड़की और नवीरा खुश रहे तो दोनों में फर्क तो है ना. ओपी कास्टिंग से लगा आयशा मुझे पता है मैं किसने कास्टिंग कर रहा हूँ, पक्का लगाने की जरूरत नहीं है. आई नो एनीवेज लेट्स गो बैक टू कोचिंग की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फाइनल फाइट आज हमें फिर से एक बार कोचिंग के बीच में ही देखने को मिलेगा. ओके भाई बैक साइड से गाड़ियाँ आ रही है, कोई और स्क्वाड भी आने की ट्राई करे, कौन सा स्क्वाड है कौन सा स्क्वाड है. ओके भाई टीम नंबर 7 ठंडे वाले आ चुके हैं यहाँ पे पोचिंग के अंदर आने की ट्राई की जाएगी. स्क्वाड स्कोल कर चुके हैं, टीम नंबर 37 यहाँ पे आ चुकी है, टीम अनशी आ चुकी है, टीम नंबर 12 यहाँ पे आ चुकी है, टीम नंबर 2 एमएस यहाँ पे आ चुकी है. भाई हर तरफ स्क्वाड स्क्वाड है पोचिंग के अंदर, हमें फुल बस्टर सीन देखने मिल रहा है. देखते हैं क्या सिचुएशन देखने मिलेगी. वो स्टिल गॉट 6 प्लेयर्स अलाइव एंड 11 टीम्स अवेलेबल. लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम किसको एलिमिनेट कर पाएगी. बात किया टीम आठ वर्ष, टीम आठ वर्ष यहाँ पे मौजूद है. इसके अलावा टीम नंबर 4 एक बार फिर से टनल्स को होल्ड करके बैठी हुई है. टीम सैरो यहाँ पे टनल्स के लेफ्ट साइड पे हाउसेस को होल्ड करके बैठी हुई है. लेट्स सी यहाँ पे हमें मजीद फायर सीन कौन कौन स्कॉट के बीच में देखने मिल सकता है. आई थिंक यहाँ पे टीम D7 या टीम 12 के नाम से स्पेशली मुझे पोजिशन देखने मिल सकता है, बिकॉज लड़कों के पास पोजिशन अच्छी नहीं है. लड़के अब बैक साइड पर जाकर एक मजीद बेटर पोजिशन होल्ड करने की ट्राई करेंगे. इसके अलावा टीम 21 अभी भी आउट ऑफ द जोन है, यहाँ पर मूविंग करने की ट्राई की जाए तो टीम 21 की जान से देखते हैं हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी. डाए जानी मेरी मेरी कार इन पबजी, तुम्हारी कार इन पबजी है या पारी. पूरा कमेंट लिखा करो ना, ये क्या आते थे कमेंट क्यों लिखते, मुझे कंफ्यूज किया हुआ है. ओके वो फिर से जोन श्रिंक हो जाएगा. जोन थोड़ा सा पुजिंग के मौजूद है, थोड़ा सा पुजिंग के लाइक सामने ओपन ग्राउंड में है. इट्स गोना बी हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स टू गेट इन द जोन बिकॉज सामने बिल्कुल ओपन ग्राउंड है. लेट्स सी कौन कौन टीम यहाँ पे किसको पिच अप दे पाएगी. वो सी गॉट 6 प्लेयर्स अलाइव एंड 11 टीम्स अवेलेबल. तो जो भी सिंह को देख रहा है थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. दिस इज PMSL सेमीफाइनल्स ग्रुप बी Day 1 लास्ट मैच, ये हमारा आज का लास्ट मैच है. देखते हैं हमारे लास्ट मैच की विक्ट्री कौन सी अपने नाम करेगी. वो सी गॉट 6 प्लेयर्स अलाइव एंड 11 टीम्स अवेलेबल. यहाँ पे टीम NXT के 3 प्लेयर्स अलाइव है, टीम ठंडा के 4 प्लेयर्स, यहाँ पे टीम MES के
के काफी क्लोज आ चुके हैं। 44 सिचुएशन हमें देखने मिलेगी दोनों स्क्वाड्स के बीच में। लेट्स सी यहां पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। टीम सारे को 3 प्लेस में यहां पे लाइव दिख रहे हैं। टीम पीएस यहां पे 4 प्लेस लाइव है जबकि टीम आर्टवर यहां से क्लोज हो चुके हैं। टीम एमएस के एक बार निंजा प्लेस हो चुके हैं। टाउन टीम नंबर 13 वर्सेस टीम 12 हमें यहां पे देखने मिलेगा। चलते हैं टीम 12 की बात करते हैं, देखते हैं कौन सी टीम देती है किसको फिनिश ऑफ। टीम 12 यहां पे काफी क्लोज आ चुके हैं। टीम 12 13 के बंदे को नॉक करने की ट्राई की जाएगी। यहां पे ग्रेनेड थ्रो करके पिकअप करने की ट्राई की जाती है। लेट्स सी यहां पे टीम 13 जो कि एमएफएस का लाइनअप है कैसे सर्वाइव करवाएगी। वीएसके मैक्स यहां पे बढ़ चुके हैं टाउन जबकि टीम एमएफएस के पैंथर आरी के अरम को डाउन दे चुके हैं। यहाँ पे गिरने तो एमएफएस के पैंथर एक और बंदे को डाउन करने ट्राई करने आरी के फान का डैमेज पड़ सकता है। इसके अलावा टीम 13 के एमएफएस के कॉप एक्स एफपी मौजूद हैं। टीम नंबर 12 के सामने टीम नंबर 12 के आरी के अरम अभी तक लाइव है वो सिर्फ 33 प्लेयर्स लाइव है। अलावा टीम ऑफ फुटबॉल देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा। This is the final zone and this is the final battle between 11 squad right now. We still got freaking 11 squad available in this tiny zone. We still got 21 players alive. Here we out of zone. काफी players को knock पड़े NXG की chance से knock दिया गया। D7 के बंदे को team NXG के 2 players alive है। D7 के बंदा alive है। Team 13 यहाँ पे finish off करा चुके हैं। Team 12 के सारे players को team 7 के 4 players alive है। Team 22 के 3 players भी यहाँ पे alive हैं। जबकि team 13 की बात की जाए, team 13 का पूरा squad अभी तक alive है। Team 12 के आरी सैनी अभी तक यहाँ पे alive है। चलते हैं बात करते हैं team NXG की। Team NXG king उसको attack करते हैं करते हुए यहाँ पे टीम डी से हम लोग करा चुके हैं फुली एलिमिनेट है। 10 पोजीशन वो इसी कंट्रोल से प्लेयर लाइफ है। 9 टीम्स अवेलेबल देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको मजीद एलिमिनेट करा पाएगा। टीम पीएस के यहाँ पे टनल्स को होल्ड करके अभी तक बैठे हुए लड़कों का जोन ही मौजूद है। टीम सारे का जोन मौजूद है आपके अटैक हो रहे टीम सारे कवर टीम सारे कवर अटैक हो रहा है। टीम 8 की चांस से कौन किसको पिकअप करेगा। लेट्स सी यहाँ पे डाउन बच्चे टीम पीएस के मुजिम को डाउन करते हुए टीम सारे को चांस से टीम सारे को सिर्फ 4 मिनट स्टैंडिंग पर उसका सर्वाइव करते हुए देखते हैं टीम पीएस यहाँ मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगी। चलते हैं बात करते हैं पोचिंग की पे वापस चले गए। लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन सा स्क्वाड जोन में मूवमेंट कर पाएगा। टीम 14 के जोन में जाना पड़ेगा। इसके अलावा टीम नंबर 12 पहले से ही सामने जोन को होल्ड करके बैठी हुई है। सो 12 क्या है 22 एनीवेज स्टिल गॉट 23 प्लेयर्स अलाइव एंड 8 टीम्स अलवे जोरी सिंह को देख रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस टूर्नामेंट जिस स्पॉन्सर्ड बाय आरजीएस लाइव। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेक हिम आउट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। वो सिर्फ 23 प्लेयर्स अलाइव एंड 8 टीम्स अलवे यहां पर टीम 22 के 3 प्लेयर्स अलाइव है। इसके अलावा टीम ठंडे की जान से थोड़ा सा जोन में मूविंग करा पड़ेगा। टीम 22 को भी जोन में मूविंग करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी तमाम पोचिंग के स्क्वाड को जोन में मूविंग करा पड़ेगा। जोन बिल्कुल बन चुके हैं ओपन में। इट्स गोना बी हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स टू गेट इन द जोन बिकॉज यहां पर जोन में कवर मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ टीम 22 के पास थोड़ा सा कवर मौजूद है। टीम 13 टीम नंबर 12 टीम 14 एंड इसके अलावा टीम 7 को भरना पड़ेगा। आगे टीम 7 को आगे आना पड़ेगा। टीम 4 को भी यहाँ पे आगे जोन में मूविंग करना पड़ेगा। सिर्फ गाड़ियों को कवर लगा के यहाँ पे सर्वाइव किया जा सकता है। लेट्स सी यहां पे कौन सी टीम किसको फिनिश आउट दे पाएगी। इस वक्त टीम 7 के पास और टीम 14 के पास स्टिल काफी चांस है प्लेयर्स को फिनिश आउट देने का। टीम 12 के आरी सैनी इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। यहां पे नॉक फिनिश आउट दे सकते हैं काफी प्लेयर्स को। लेट्स सी हम यहां पे क्या सिचुएशन देखने मिलेगी कौन सा स्क्वाड किसको फिनिश आउट दे पाएगा। गिरते थ्रो करके आरी सैनी को फिनिश आउट देने की ट्राई की जा रही है। टीम 13 के यहां से 1v4 सिचुएशन है दोनों स्क्वाड्स के बीच में। आरी सैनी लेट्स सी कितने बंदे को पिकअप कर पाते हैं। Anyways, let's take a camera view. Let's see how the constant kisko deti hai finish up the zone is going to shrink right after 16 seconds and then let's see how we kon ko sa sword successfully zone mein bone karwayega. Team Thunder ki jaan se early rotation di gayi hai. Zone mein gaadiyan laga ke ladke survive kare. Let's see Team Thunder mein kitna survive kar rahi hai. I think ladko ko smoke small karna chahiye abhi se because inke liye survive karna hai kafi mushkil sabit ho sakta hai. Team 2 versus Team 13 hame yahan pe dekhne mil sakta hai. MS Battalion ki jaan se Team 13 ke bande ko finish up kar chuke hai. Team 13 still 3 with life 3v3 situation hai dono squads ke beech mein. Dekhte hain ko किसको देता है फिनिश ऑफ। टीम 13 की जान से जोन मूविंग की जा रहा है। यहाँ पे गाड़ी लगा के कवर लगा के मूविंग कर चुके हैं। एमएफएस के कॉप एक्स वाइटी सामने टीम 22 को भी जोन में आना पड़ेगा। एनएचटी के सोल वाइटी को मूविंग करना पड़ेगा जबकि टीम 25 पहले जोन में थी। टीम 22 के बाद यहाँ पे पिकअप करने की ट्राई की जा रही है। अभी तक लड़कों ने कोई भी आई थिंक लड़के जोन में है भाई थोड़ा सा जोन मौजूद है। टीम 22 के पास देखने में क्या सिचुएशन देखने मिलती है। टीम 22 यहाँ पे मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगी। वो इसलिए 15 प्लस लाइफ एंड 5 टीम्स अवेलेबल। यहाँ पर टीम पीएस के पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिए गए फ्रॉम टीम साइरो एंड टीम 13 आई गेस सड़के सैंडविच हो चुके थे। इसके अलावा टीम थंडर के 4 प्लेयर्स अलाइव है। टीम 22 के अभी 3 प्लेयर्स अभी भी अलाइव है। वुसी को 13 प्लेयर्स अलाइव अवेलेबल एंड 5 टीम्स अवेलेबल इन द फाइनल जोन। देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम इस सुनकर चिकन अपने नाम करती है। जितने भी टीम को देख रहे हैं मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। दिस इज पीएमएसएल सेमीफाइनल्स ग्रुप बी डे वन लास्ट मैच एंड लेट्स सी हमारे आखिरी रूम का चिकन कौन सी टीम अपने नाम करेगी। टीम 22 के यहाँ पे 3 प्लेयर्स मुझे अभी भी लाइव देख रहे हैं। टीम 13 का आखिरी बंदा बचा हुआ है एमएफएस कॉप एक्सवाईटी जो कि स्मोक से इस्तेमाल करके अभी भी सर्वाइव करे। टीम सारे को जोन में आना है। इस वक्त फिर से जोन सभी टीमों को धोखा दे चुका है। सभी टीमों को मजीद जोन में मूव करना पड़ेगा। आई थिंक फाइनल बैटल जो होगी वो हमें ग्रास फाइट देखने को मिलेगी। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा स्क्वाड किसको एलिमिनेट कर पाएगा।
ओके बॉयज़ टीम 22 की जान से एक बार फिर से थोड़ा सा जोर में आने की ट्राई जारी, जबकि उनका लेफ्ट साइड से टीम ट्रेडर काफ़ी डैमेज दे सकती है, जबकि उनकी राइट साइड पे टीम साइरस तक मौजूद है। टीम साइरस को 3 पेज लाइफ है, टीम 22 के 3-2 पेज लाइफ है और टीम ट्रेडर के 3 पेज लाइफ है। दिस द फाइनल बैटल बिटवीन 3 सर्वाइट नाउ 2v3v4 सिचुएशन है दोनों स्कोर्स के बीच में। लेट्स सी यहां पे कौन सा स्कोर कर पाएगा सर्वाइव टीम। साइरस के बंदे को फिनिश अप कर चुका है एंड फाइनल मोमेंट हमें तीनों स्कोर के बीच में 3v3v3 सिचुएशन देखने मिलेगी। टीम 22 के 3 पेज लाइफ है, टीम ट्रेडर के 3 पेज लाइफ है और टीम साइरस के 3 पेज लाइफ है। तीनों ही स्कोर को यहाँ पे जोन में मूव इन करना पड़ेगा। टीम ठंडक यहाँ पे एक प्लेयर को ठंडक वुल्फ को टर्न पर टिकट। टीम साइरस के 3 पेज तक वेल एंड गुड लाइफ है। टीम 22 के भी यहाँ पे तीनों प्लेयर्स वेल एंड गुड लाइफ है। आई थिंक टीम ठंडक यहाँ पे बैठना काफी मुश्किल साबित हो सकता है बिकॉज दोनों स्क्वाड उसी पर अटैक कर रहे हैं और आपस में भी फाइट के आपस में देखने को नहीं मिल रही है। लाहौर गेम वाइटी इज द ओनली मैन स्टैंडिंग। लेट्स सी लाहौर गेम वाइटी मजीद कितना सर्वाइव कर पाएगी यहाँ पे लूट लूट करके। लड़का अभी भी सर्वाइव कर पाए, उठ क्यों रहे हो। एनीवेज वी स्टिल गॉट 6 प्लेयर्स अलाइव एंड 3 टीम्स विल बी एबल। टीम साइरस की बात करें, टीम साइरस के यहाँ पे एक प्लेयर को फिनिश अप कर चुका है, दो प्लेयर को फिनिश अप कर चुका है और साइरस का एक बंदा अभी भी स्टिल अलाइव है। टीम 7 का एक बंदा अलाइव है, उसको फिनिश अप कर चुका है। साइरस इज द ओनली मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टीम एमवीएस। यहाँ पे 1 किया चुका है, आरी के फ्लैश को डाउन किया गया है लेकिन एमवीएस के स्कॉर्पियो पे फिनिश अप देखिए। टीम एमवीएस हमारे लास्ट रूम का चिकन अपने नाम करती है एंड एक्सीलेंट गेम प्ले फॉर टीम एमवीएस। लड़के काफ़ी मुश्किल सिचुएशन से लड़कों ने अपने आप को बचा के इस जोन तक पहुंचाया था और इस रूम का चिकन काफ़ी अच्छे तरीके से अपने नाम किया। टीम साइरस ने सेकंड पोजीशन यहाँ पे होल्ड किया। टीम ट्रेडर के ऊपर यहाँ पे काफ़ी गलत अटैक कर रहा था, लाइक दो स्क्वाड एक दूसरे को छोड़ के टीम ठंडर के ऊपर अटैक करते हैं। टीम ठंडर ने थर्ड पोजीशन से किया है, फोर्थ और टीम एफएस, फिफ्थ पर यह टीम एनएक्सी, सिक्स पे पीएसएस, सेवन पे टीम आरी, एट पर यह टीम आटोएश, नाइन्थ पे टीम पीएस अगेन, टेन पे टीम डी7, इलेवन पे टीम एमएस, ट्वेल्व पे टीम एमएस अगेन, थर्टीन पे टीम एमएफएस अगेन, फोर्टीन पे टीम एमएफएस अगेन एंड फिफ्टीन पे टीम आरएक्स, सिक्सटीन पे टीम एसडब्ल्यू, सेवनटीन पे आरी एंड एटीन पे आटोएश बटालियन। जितने भी टीम पे आ रहे हैं हमें पार्टिसिपेट किया, टीम पे ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अवर लास्ट मैच। आई नो मैं कास्टिंग अच्छी नहीं कर सका बिकॉज ऑफ माई सर्जरी इशू, मैंने फिर मुँह में सर्जरी करवाई हुई है, बट एनी वे मैंने कोशिश तो बहुत किया बट क्या करें, माई बैड अपॉलोजीज। एनी वेज दिस इज इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल ग्रुप बी के मैच डे टू के मैच के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लव यू ऑल, बाय बाय।